टूर्नामेंट की पहली गेंद और ये रहा दो रन। लाइक कर दे, शेयर कर दे फटाफट सारे लोग। क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों फटाफट सारे लोग दुबई में रहकर इस प्रकार सारे लोग जो जाए। ये अंतिम क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इसके बाद कल होगा सेमीफाइनल फाइनल। बकरा की टी20 कप 2022 राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट। साकिब भाई दुबई आपका शुक्रिया और रकीब भाई आपका भी शुक्रिया कि आप लोग प्रदेश की गलियों में है, बहुत दूर है लेकिन इस खेल के साथ लगे हुए मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। आरबी कंप्यूटर आपका शुक्रिया इस खेल के लिए। सत्ता तैयार गेट रोड छोड़ छोड़ गेट तक पहुंचे है अपने आप को बिल्कुल तैयार किया था। आप स्टम्प से बाहर गेंद निकाल रहे थे, बल्ला चला दिया था और फ्लाइंग फ्लिप जो लगी थी दूसरी उसमें का आसान सा कैच पे बैठे हैं। तो आरबी कंप्यूटर रकीब साहब और साकिब भाई बकरा आपका शुक्रिया है। नए बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए ये टोनी भाई आबिद भाई की टीम है। टोनी सिंह बल्लेबाजी करने के लिए है। ये जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके सारे मेहमान कल आने वाले हैं और जो दूर हमारे मेहमान है, जो टूर्नामेंट के मेहमान में खास है, जो फॉरेन कंट्री में जिनका टाउन भी है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। साकिब भाई आपके प्यार मोहब्बतों का सलाम। रकीब साहब आरबी कंप्यूटर आपका भी शुक्रिया। इस बकरा टी10 जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका वेलकम खैर मकदम है। लाइक और शेयर करते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। चलेगा भाई चलेगा, स्कोर बोर्ड चलेगा, चलेगा भी और दौड़ेगा भी। सवाल पूछे हैं टोनी सिंह, पहला ओवर जारी, 10+10 का मुकाबला, नूर 11 पहली का खिताब। अब सवाल पूछ रहा है, इससे पहले मुकाबले में अपने आप को तीसरे चौथे ओवर में लेके आए थे लेकिन यहाँ स्ट्राइकर के पास है, तंतराते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। टोनी सिंह को अपने बल्ले से कुछ जौहर दिखाना होगा। लाइक को शेयर करते रहे, लाइक को शेयर करते रहे। अच्छी गेंद टिक आउट किया, वहां पे सिंगल मिल जाएगा। बहुत दिफाई अंदाज में बैट पैट को साथ लाकर हल्के से पुश किया, एक रन मिल जाएगा। इसी एक रन के साथ इसको जा पहुंचा। अब यहां पे तीन, अब उनके सामने है अनिल, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनिल है। CRPF स्पोर्ट क्लब गाजीपुर, गाजीपुर उस जिले का नाम है जहाँ से हिंदुस्तान। कल है सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल मुकाबला कल होगा। सुरक्षा कर्मी है, हर गांव में बहुत सारे हमारे फोर्स में है। तो नमन कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ जिले को कि आपने हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करने को ठाना है। अपने मुल्क अजीज की सेवा करना आप जानते हैं और क्रिकेट के मैदान पर आए हैं। कली है भाई, कली है। जब सेमीफाइनल में वो लोग पहुंच गए तो कली होगा भाई। अंकित काल के होंगे ये तीन ऐसे नाम है, अगर ये तिकड़ी चलती है तो बड़े से बड़े बल्लेबाजों को धराशायी कर देते हैं। लेकिन सत्ताम तेरे जैसा दिलावा नहीं देखा, सत्ताम की बाजी शुरू कर रहे हैं। और ये आजमगढ़ के बारे में कहा था कि मैं अपने दिल्ली में भी कहता हूँ कि चलो आजमगढ़ में क्रिकेट देखा जाए, चलो ग्राउंड देखा जाए, चलो वहां के लोगों को प्यार देखा जाए। तो शुक्रिया आपका, सत्ता तैयार सब तक पहुंचेंगे कहेंगे। और इस तरह पुल किया है 6 रनों के लिए। ये लेफ्ट हैंडर नेचुरल खतरनाक होता है, नेचुरल खतरनाक होता है लेफ्ट हैंडर। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहाँ पे 9 रन। अनिल एक बेहतरीन धाका शुरुआत किया है, सत्ताम तैयार तो पहुंचेंगे कहेंगे। और इस तरह से ये बहुत वाइड गेट का इशारा आया, वाइड गेट का इशारा आया अहमद सर का। नतीजा ये हुआ एक रन और इसको एक के साथ पहुंचा है। तो सर सत्ताम ने अहमद से पूछा है सर ये वाइड कैसे थी, और अहमद बता रहे हैं कि स्टिक के पास से निकली थी, स्टिक से नहीं निकली थी।
अगर स्टिक के ऊपर से निकलेगी तो व्हाइट नहीं होगी, अगले स्टिक से पास से भी निकलेगी तो व्हाइट करा दी जाएगी। ये क्रिकेट के नियम है और सरदार ने कमाल पा रहा है जो अंपायर को, और ये नहीं मालूम है कि ये अहमद सिर्फ क्रिकेट के लिए पैदा हुआ है। अब तैयार हो रहे एक फिर आपके मैम बड़ा अच्छा उनका स्टॉक अनिल के बल्ले से, दूसरा गगन भेदी छक्का बैक टू बैक, क्या आज तीन छक्के पे इनाम है, दो छक्के लगातार लग चुके हैं यहाँ पे, तो इस सब चीज का जिक्र कर दे। शाहिना ज्वेलर्स का इनाम है या नहीं, तीन लगातार छक्के पे 500 का ये बता दे, कंफर्म कर दे स्कोर 100। अनिल अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, अपने खेल को दिखा रहे हैं, एक दिलकश अंदाज में ये मुकाबला आपके सामने है। अनिल की बल्लेबाजी को देखकर लोगों ने उसकी तस्वीर बनाया है, दिलों में फंसा लिया है, गाजीपुर का ये होनहार लेफ्ट हैंडल क्या करेगा, सत्ता एक बहुत अच्छी गेंद टिप्पणी ब्लॉक होल में किया था, एक रन मिलेगा, एक अच्छी स्पोर्टिंग विकेट तैयार किया गया उसका 17। राइट हैंड आजमाते हैं, एक ओवर 17 रन, 10 ओवर का मुकाबला है, 170 तक टीम स्कोर देख रही है यहाँ पे गाजीपुर भाई बॉलर थोड़ा सा ठीक है आप हर्षदीप फोटो उठा दे निर्देश हर्षदीप तो बहुत इंटरनेशनल है। बॉलर्स नेम निर्देशों दो छाप उठा दे हैंड अप करें साहिब साहिब है के पास और ये खतरनाक लेफ्ट हैंडर सामने है 17 बना है एक ओवर की समाप्ति पे पैकरी 6 ओवर से विकेट पहुंचे बहुत अच्छी गेंद अंदर की तरफ आ रही थी और वहां पर रन आउट होने का चांस गवाया है नूर 11 बरेली साकिब खान छत्तीसपुर टिकाना स्टेडियम लखनऊ से मैं कहा हूं आ रहे मैं उनका वेलकम कर रहा हूं साकिब भाई तैयार है काम यहां पे बॉलर साहिब राइट हैंड बल्लेबाज के लिए टॉस रुक किया तक पहुंचे गेंद करेंगे और ये बहुत अच्छी गेंद प्री कोर्टर के बाद ही हो रही है और साकिब साहब छत्तीसपुर हमारे बीच आ रहे हैं एक समाज सेवी जिनका लखनऊ और काना ग्रुप से ताल्लुक है मैं उनका भी वेलकम और खैर मकदम कर रहा हूं इस ग्राउंड पे यहां पे साहिब गेंदबाजी कर रहे हैं ब्रेच अंदाज में ये खेल चल रहा है साकिब भाई आपका शुक्रिया इस खेल में चार चांद लगाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं और ये इकाना ग्रुप लखनऊ के ये मेंबर है और चित्रपुर से ताल्लुक है मोहम्मद साकिब नाम है समाज से हुए हैं अनिल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे स्कोर 19 अब तक यहाँ पे साहिब बड़ी प्यारी की दावी कर रहे हैं खुल के मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजी करने का तैयार हो तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जितने पहुंचे गेंद करेंगे और ये अनिल तो छूट छूट के खेल रहे हैं घूम घूम के खेल रहे हैं
भाई गेंद पहुंचा दे, गेंद पहुंचा दे। हफीज साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूं। हफीज साहब आपका शुक्रिया इस मोमेंट के साथ जुड़ने के लिए। स्कोर यहां पे है 25। स्कोर 25। अनिल तीन छक्के लगाए। अनिल एक बल्लेबाज है जो अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कदर नजर आ रहा है। तैयार होते हुए आसिफ बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल लाल गलत की थी, बीच में उनके पैर आ गए वरना ये क्लीन बॉल से आप आउट होने वाले थे। तो हफीज साहब सैदपुर आपका शुक्रिया, साकिब साहब एकाना स्टेट लखनऊ में आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। छिद्दीपुर से ताल्लुक है, सोमिन के मेहमान खास बन के आए हैं, आपका पुरजोर अंदाज में स्वागत और वेलकम कर रही है ममता जमीन कमेटी टी टीम बकरा कप जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट। जय शेयर करते रहे, इनवाइट करते रहे। नुमान कमर्स कब है? कल भाई, कल सेमीफाइनल और फाइनल है, लास्ट दिन है, मतलब लास्ट दिन हो गए यार। एक और अच्छा स्टॉप टोनी सिंह और ये आउट। टेस्ट तो करने के बाद अपने पैर को पकड़ लिया है सरदार महापुर। यहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, क्रीम है, इंजेक्शन है, दवा है, कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। ऐसे कमेंटेटर में हमेशा अपने पास ये चीजें रखता हूँ क्योंकि खिलाड़ियों से मुझे बेहद प्यार है और उन्हें अगर कोई दुख दर्द तकलीफ होती है क्योंकि मुझे होती है, वो मेरे बिना अधूरे हैं, मैं उनके बिना अधूरा। अरे कुछ ना है, अरे खाए वाला कुछ ना है, का है का खाए लगे वो अमरूद रहा। अमरूद चल रहा है आतिफ भाई यहाँ। तीनों लोग खाए हैं। एक प्लेयर हम देख रहे हैं चोटिल हुए, उनकी जगह अर्गम को मैदान में भेजा गया है फील्डिंग करने के लिए और वो बार बार रोटेट भी होते रहेंगे, हालांकि चोट कितनी गहरी है हम ये नहीं सोच पा रहे। आ रहे हैं सद्दाम, क्या फील्डिंग करेंगे या बाहर वो निकलेंगे? वैसे भी उनकी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे हैं। सद्दाम इस टीम के कर्णधार है, इस टीम के कप्तान है, बरेली की नूर इलेवन की जान है। चलिए तैयार है, फील्डिंग करेंगे। पैर में कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता पर थोड़ा सा पिराता है, वो सब चलता है, मैच में लगा रहता है ऑल द टाइम्स। अनिल, ये अनिल का मतलब होता है आकाश। क्या गेंदबाजी के लिए आतिफ को बुलाया जा रहा है? मोहम्मद आतिफ है क्या गेंदबाज? मोहम्मद आतिफ एक बढ़िया गेंदबाज, अनिल के सामने कैसी परफॉर्मेंस देते। ये जो जोड़ी है मनीष और अनिल की, बड़ी शानदार जोड़ी है। सबसे मध्य क्रम में मनीष एक ऐसा मुझे बल्लेबाज नजर आता है जिसके पास क्रिकेट की वो सभी शॉट्स है। दो नंबर गीट में है नॉन स्ट्राइक पर और अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी। आतिफ की गेंद का सामना करेंगे, क्या साफ क्लोज करते हुए चार नहीं छह नहीं दस दीजिए। गाजीपुर इस वक्त खेल रही है, बिल्कुल बल्ले का गेंद का धागा खोल दिया और इसका स्कोर हुआ है जिला के जवान इसे जिला के नाम पे ले लेगा 32 रन। तीसरा 2.1 के लिए दो ओवर एक बॉल में। आतिफ बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि छक्का जरूर लगा लेकिन शानदार वापसी कही जाएगी। बड़ा ही प्यारा मुकाबला, इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है, चौथे दिन का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तमाम दर्शकों को बता दो वो तीन टीमें जो अंतिम चार में अपनी जगह बना चुकी है, जो सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने वाली तीन टीमें इलेवन खरेवा आजमगढ़, लोमान एंड कंपनी आजमगढ़ और मऊ।
चौथे टीम की तलाश हो रही है। जो भी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी अंतिम चार में अपनी जगह बना लेगी। आतिफ तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाली छोर से बेहतरीन के, लेकिन आप स्टंप से बाहर अहमद का इशारा आ रहा है। अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 33 रन 2 विकेट। आतिफ 2.3 बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिनंदन के लिए खेला है सिराज दौड़ा ग्राउंड गेट एक टप्पे के बाद, ऐसा लग रहा है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची है। इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड की बात की जाए तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम गाजीपुर 37 रन आउट होने वाले 2 बल्लेबाज। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त हमारे गाइस की जीनत बने हुए जनाबे हफीज सैयद, जनाबे शाकिब साहब चित्तौड़ एकाना स्टेट लखनऊ। इस बीच घूम कर खेला है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़, एक और खूबसूरत छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज अनिल यादव के बल्ले से 11 गेंदों 33 रन। गाजीपुर सीआरपीएफ टीम के जो प्लेयर है सुनील भाई, मैं चाह रहा हूँ एक बार उसे कॉन्टेक्ट कर ले। जी हाँ भैया, बहुत बड़े स्ट्रोक्स खेल रहा, ये हल्ला मोल बल्लेबाजी अनिल की, कत्ता ओवर खिलाड़ी है, अच्छी शॉट्स लगाते। अनिल की ये धुआंधार बारी मैं देख रहा हूँ इस वक्त मैदान पर चल रही है, बड़ी शानदार बल्लेबाजी चल रही है अभी तक। स्कोर बोर्ड की तरफ हम रुख करें, इस वक्त बरेली के सामने 3 ओवर में 49 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, जिसमें से अनिल यादव ने 12 गेंदों में 41 रन, 6 छक्के 1 चौके की बदौलत 341.67 के औसत से, और उनका प्रोजेक्ट स्कोर अगर 10 ओवर ऐसे ही खेलते गए तो 163 रन बोर्ड पर लगा देंगे, 16.33 की करंट रन रेट है इनकी। बॉलर अब सबसे अच्छे गेंदबाज जिन्होंने मिडल ओवर डाला था मोहम्मद, साहिल के गेंद पर क्या खूबसूरत प्रहार किया है ये मनीष ने, जैसे कि मैंने कहा मध्य क्रम में धोनी के विकेट गिरने के बाद क्या बढ़िया शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने। ओपनिंग करने आए थे अनिल यादव और अभी तक अपने टीम के लिए निरंतर अच्छा प्रयास कर रहे हैं मनीष, मध्य क्रम में यहाँ 3 ओवर 1 बॉल 55 रन 2 विकेट। ये मैच के सिचुएशन के हिसाब से मैच को लेकर एक बड़ा क्रम रखते चले। इसी बीच अगली गेंद ये अच्छी चीज है देखने को मिलती है, ड्राइव टू डिप में गेट ना साइड 2.13 के लिए भाई स्कोरिंग कर रहा हूँ बट क्या करूँ, कुछ फॉल्ट है इसलिए नहीं हो रहा है, गाजीपुर सीआरपीएफ बॉल टू बॉल बताता रहूंगा। एलिमिनेशन दिया है, अलग बात कैच आपने नहीं पकड़ा लेकिन जो आपने प्रयास किया वो 100% था। 70-17 ये जो देख रहे हैं कि टीशर्ट पहने हुए खिलाड़ी बहुत शानदार फील्डिंग की आपने। तो दोस्तों गाजीपुर में हर साल की भांति इस साल भी स्वर्गीय आत्मा पांडे क्रिकेट का टूर्नामेंट का ये 5वां सीजन, जिसकी फर्स्ट प्राइज है 1,21,000, सेकंड प्राइज है 61,000, जो टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर गाजीपुर में खेली जाती है। 6 शेयर करते रहे सारे, 3 तारीख तक अपनी एंट्री फीस जमा करवा देनी है।
15 दिसंबर तक। इसी बीच एक और इंटरनल स्टॉक खेला है, ये तो आज सनत जयसूर्य की याद दिला दी है, पैरों की तरफ पार्टी गेट को क्या खूबसूरत फ्लिप किया है 6 रन। आज तो अनिल अलग मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करे बिल्कुल नजरे झुकाए हुए विकेट के ऊपर, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस। इस बाउंड्री की मदद से स्कोर पहुंचा 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 गेंदे हुई है। अभी यहां से साहिब कौन सी गेंद लेकर निकलेंगे आगे बल्लेबाजी के लिए। गेंदों पर 47 रन के स्कोर पर पहुंचे हैं, एक शानदार खिलाड़ी, एक शानदार परफॉर्मेंस, जिस मैच में जरूरत थी। नॉकआउट का यह मुकाबला है, जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और उसी लिहाजों से हम देख रहे बैटिंग शानदार होती चली जा रही है। अब साहिब के इस ओवर में रन तो आ गए, अब यहाँ से क्या करने को देखेंगे। इसी बीच साहिब तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी के लिए, वो दौड़ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये लगाया शॉट, क्या बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ नहीं, 5 नंबर विकेट में बड़ी लाजवाब। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो रहा है, सीआरपीएफ गाजीपुर बैटिंग कर रही है और नूर 11 बरेली फील्डिंग कर रही है। तीन गेंदों पर 14 गेंदों पर 48 रन अनिल बनाकर बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ बखरा में हो रहा है, ये आजमगढ़ जिले के बखरा गांव में। अनिल को बोल्ड सारे लोग शेयर कर दें सारे लोग। सलमान उगानी की तरफ से ये 6। मनीष क्रिकेट का वो गाजीपुर का ये होनहार है जो अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलने के लिए जाने जाते हैं। सलमान केवीएम 50 रुपए सिर्फ अनिल को बोल्ड करने के लिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत होती है। अब मैदान पर कैसी है परफॉर्मेंस करते हैं, अब अपने लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि रन बोर्ड पर लगाते जा रहे हैं और जितने रन बोर्ड पर लगाएंगे उतना ही बरेली को बनाना पड़ेगा। आगे कमेंट्री के लिए मैं चलता हूं बड़े भाई अनुशाद भाई की तरफ। हाँ भाई दिल्ली की टीम नहीं आई है। चलिए तो यहाँ पर जिसकी तलाश थी वो पूरा होता हुआ, जिसकी खोज हो रही थी वो मिल गया है। अनिल यादव के विकेट की दरकार थी और मैं देख रहा था सलमान भाई गहनी की तरफ से 50 रुपए का इनाम आएगा इस गेंदबाज के लिए। तो लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चर्चित नाम इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। सलमान अपना 100 रुपए के नाम ने सलमान दिया आप अच्छी बल्लेबाजी के लिए। सलमान गहनी लगातार जो है 100 रुपए का इनाम बल्लेबाज अनिल यादव के हक में दिया, तो 50 रुपए का इनाम गेंदबाज के हक में दिया। बड़ा ही प्यारा मुकाबला इस क्रिकेट प्रतियोगिता का चौथा दिन है, चौथे दिन का चौथा क्वार्टर फाइनल कह लीजिए। बड़ा ही प्यारा मुकाबला, टॉस जीता नूर 11 बरेली ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। मैं देख रहा हूँ इस वक्त 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर कार्ड शो कर रहा है। पचहत्तर शुक्रिया साथी इसको रन। इस बीच एक और बेहतरीन गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई, बल्लेबाज ने जो अनुमान लगाया था कहीं उससे ज्यादा उछाल लेती हुई सीधा पहुंची विकेट कीपर के दाग पाने में।
बाकी का काम पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा क्या पहुंचा 76 रन, 76 रन, 3 विकेट, 4 और 3 बॉल। क्रिकेट जरूर है लेकिन कल मैं तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को, देखने और सुनने वालों को भी बता दूं कि कल इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का, इस प्रांगण का फाइनल डे होगा। ऐसे में 3 टीमें सेमीफाइनल का टिकट पा चुकी है। इसमें एच लॉक किया है काफी लंबा लॉन्ग रन वाले छेड़ते होती हुई फिर अफ्तेलाई रास्ते को तय करती हुई गेंद पहुंची 6 रन के लिए। इस छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 82 रन। हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला रहा यहाँ पर नूर 11 बरेली का वो थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है मेरे एतबार से, क्योंकि 5वें ओवर का खेल जारी है और स्कोर कार्ड जो है इस वक्त शो कर रहा है 82। 3 विकेट। कल 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल मुकाबला होगा। होने वाले बल्लेबाज सुनील यादव, अनिल यादव और टोनी फिलिप। आउट होने वाले बल्लेबाज सुनील यादव जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए। और वहीं पे मैं देखा अनिल यादव, हालांकि ये हमारी कमी है दोस्त, माफी चाहता हूँ, हम कमेंट्रो कमी है। आप आके यहाँ पर आपने अर्धशतक लगाया और यहाँ पे बताया नहीं गया आपको 16 गेंदों 54 रन, शानदार 6 छक्का और 1 चौका लगाया अनिल यादव ने। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी इस नॉकआउट मुकाबले में रही। तमाम जो है आउट होने के बाद उनके साथी खिलाड़ियों ने तालियों की गड़गड़ाहट में तालियां बजाकर अभिवादन व्यक्त किया, शुक्रिया। के बाद 83 पर 3 टीम गाजीपुर अब यहां से संभलने होंगे। टीम गाजीपुर को आधे ओवर का खेल खत्म, जी हां 5 ओवर 83 रन। मैं देख रहा हूं गाजीपुर टूर्नामेंट की आन बान शान, हमारे टूर्नामेंट की जान इस वक्त जिनका आगे सारे लोग शेयर कर दें, शेयर कर दें, इनवाइट कर दें, आवाज को लबैक कहा, साथ ही साथ फिर स्टार है तो उसे भी भेजते रहे मजबूती बख्शने के लिए अपनी हाजिरी दर्ज करवाई जनाबे ताकिब फ्रॉम छितेपुर एकाना स्टेट लखनऊ, आपका शुक्रिया। और शुक्रिया साथ ही मेहमान जनाबे हफीज भाई सैदपुर, आप आए पहाड़ आई, आप आए इस टूर्नामेंट में रौनकें आई। बीच लोगों का इशारा आ रहा है कौन का ग्राउंड खेला है, फील्डर मौजूद है 5 नंबर किट में, लगातार पिछले वर्ष कई वर्ष से देखा जा रहा है बेहतरीन जो है क्षेत्र रक्षक की भूमिका में इस क्षेत्र रक्षक का नाम आ रहा है। इससे पहले एक शानदार 6 रन बचाया था टीम के लिए पाई जानी छलांग लगाते हुए और उसके बाद कई जो है 85 पर 3 गेंदों को बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने में कामयाब रहे हैं। 9 बॉल का इशारा आया है, 3 हिट है, बल्लेबाज दीपक है स्ट्राइक पर, क्या होता है और इस मरतबा बल्ले का भी फैला क्या है, नीचे फील्डर मौजूद, 3 हिट है, जमीन से गेंद नमन कर चुकी, 1 रन के बाद दूसरे की तलाश और पूरा होता हुआ, तो 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ जा पहुंचा 87 रन, 5.1 ओवर का खेल खत्म। आइए करंट रेट को देखा जाए तो इस वक्त टीम गाजीपुर 16.84 रन प्रति ओवर औसत रन बना रहा है और प्रोजेक्टेड स्कोर जो है इस वक्त 168 रन शो कर रहा है। बड़ा ही प्यारा मुकाबला, अमजद एंड कंपनी को मुबारकबाद, फिर से उसी दिशा और उसी दशा में खेला है, फिर से फील्डर नीचे मौजूद लेकिन इस मरतबा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर लौटती हुई गेंद, 4 रन जोड़े जाएंगे बल्लेबाज दीपक के खाते में और टीम गाजीपुर के खाते में जुड़ता हुआ जाकर 91 लगातार 3 विकेट, 5 ओवर कंप्लीटेड, 6 ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर हितेश।
गया। लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। जो अभी बेकरी के सामने जिसकी गाड़ी खड़ी हटा ले, बेकरी की गाड़ी निकालना है। ये ऐलान था, नो का इशारा रहा है। फिर से कलीम नहीं है, अहमद है। क्रिकेट की बारीकियों से जो है वाबस्ता है, इनका रिश्ता है क्रिकेट से बहुत पुराना। हालांकि उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत है। अहमद आरपीएस ने बारीकी को पकड़ा और नो दिया, तो एक और मौका मिलेगा बल्लेबाज दीपक को। 500 रुपए का इनाम जीतने वाली टीम के हक में आया है। जनाबे साकिब साहब, छिपतेपुर एकाना स्टेट लखनऊ, शुक्रिया करते हैं हम आपका, और अमजद भाई भी आपका शुक्रिया करते हैं। आप उनकी आवाज पर लबैक कहा आपने। अगली गेंद के साथ तैयार 10+10 ओवर का गई भरपाई करते हैं पवेलियन वाले छोर से 15 से 18 कदमों का रन। चले दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की, और इस मरतबा किया है फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन फ्री हिट थी। जीवन दान मिल जाएगा, एक रन जोड़ा जाएगा खाते में। इस एक रन के साथ टीम गाजीपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन। 93 लाफ ऑफ 3 विकेट 5 फॉर कंप्लीटेड 6 ओवर प्रोग्रेस बाई मिस्टर हृदेश। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। हालांकि इस ओवर में पहला ओवर डाल रहे हैं स्पेल का, मात्र 10 रन खर्च किया उन्होंने। अभी तक 3 गेंदें फेंकी गई है। फिर से एक और खूबसूरत गेंद इन स्विंग होती हुई तब पकाने के बाद अंदर की तरफ आई और बिल्कुल बल्ले की लाइन में आए, गेंद की लाइन में आए और बैट को नाबालक अकेला था। खुद निर्देश ने गेंद को गिदर किया। रन लेने का जो मनसूबा बन रहा था, दोनों बल्लेबाज अपने बढ़ते हुए कदम को वापस सुरक्षित खींचा। तेज धूप हवाएं रुकी हुई, ऐसे में थोड़ा सा जो है क्रिकेट के एतबार से जो वातावरण होना चाहिए कहीं ना कहीं उसके विपरीत। इस बीच लेकिन स्टंप से बाहर गेंद, बल्लेबाज चूके और विकेट कीपर भी चूका, ये पहुंची थर्डमैन लाइन के बाहर चादर। बल्ले का बाहरी किनारा शामिल था इस शॉट में। अंपायर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 5 बॉल में, तो बहुत आसानियां हो जाया करती है कमेंट्री करने में। 97 रन 3 विकेट के बाद 5.5 ओवर का खेल खत्म। टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। निर्देश चले, फिर से बची हुई गेंद घूम कर खेलने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर कनेक्ट हुई थी और अहमद की बेहतरीन अंपायरिंग पर एक खूबसूरत तादो तहसील में लिपटा हुआ इनाम आया है सलमान गहरी की जानिब से। मैच के इख्तिताम पर ले लेंगे। अफगान भाई के पास आपका पैसा जमा है अहमद भाई। छह ओवर में 98 रन बना चुकी है CRPF गाजीपुर। 10 रुपए की नाम आया है सलमान गानी की तरफ से। अहमद आपके लिए 10 रुपए का इनाम, लेकिन अफगान भाई इनाम तो इनाम देख रहे हैं। 6 ओवर में 98 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब यहां से बचे 4 ओवर और अभी भी मनीष 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। उनका साथ देने के लिए दीपक मध्य क्रम में पहुंचे। अब ये बरेली के सामने एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ टीम बढ़ रही है और ये आखिरी जो ये सुनील भाई, जैसे कि हम आपको बता दें, ये जो भी खिलाड़ी है बिना अंपायर की अनुमति के मैदान के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। फिर अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। अब यहाँ से 6 में 98 कर लिए क्योंकि गेंदबाजी इनके पास शानदार है। अगर ये 4 ओवर में अगर यहाँ से 60 रन भी जोड़ लेती है टीम तो 160 रन सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा। अगर यहाँ से CRPF टीम जीतती है या टीम बरेली जीतती है तो साकिब साहब इकाना स्टेट की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा जीतने वाली टीम को। लाया गया और क्या खूबसूरत स्कोर 36
इसी के साथ गाजीपुर का 104 रन पूरा होता हुआ। स्कोर हुआ 104 रन। आज मनीष एक अलग रूप में नजर आ रहे राशिद खान को, यहाँ पर राहिद खान को जिम्मेदारी सौंपी है। 3 नंबर किट में गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो बल्ले का फ्लो है अनिल यादव, सुनील यादव, बहुत ही शानदार, टोनी सिंह, मनीष, दीपक, अंकित, अंकित, अनुज, गंभीर यादव, दीपक होता हुआ अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन खराब गेंद पर अपना विकेट फेंक कर वापस आ रहे हैं। थोड़ी सी जो बल्ले में जो जान होती है वो एलिमिनेशन नहीं देता है, वो जो ताकत है वो नहीं देता है। बल्लेबाज पर अब निकले हैं सोनू सहवाग बल्लेबाजी के लिए। अब यहाँ से सहवाग किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, सीआरपी होगा भैया भैया कहा था। तो सोनू एक ऐसा बल्लेबाज जो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके बल्ले यानी जो बैट्समैन के लिए जब ये पहुंचते हैं तो इनको देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि ये इतने अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन मध्य क्रम में बड़े हिट्स लगाने के लिए इनको जाना जाता है। अब यहाँ से दीपक को और सोनू सहवाग को एक अच्छी इनिंग पारी खेलनी होगी, एक सम्मानजनक स्कोर बनाना होगा। लेकिन यहाँ मैं तारीफ करूंगा राहिद की, बहुत बढ़िया गेंद आपने नहीं डाली, लेकिन उस पर जो विकेट मिल गया वो बड़ा विकेट था। अगर वो दो बार और खेल जाते रन बोर्ड पर आपको 130-140 नजर आते। अच्छा विकेट आपने लिया है, राउंड विकेट बैक रही बखरा बैक रेन से, इस बार अच्छी गेंद में तो रनआउट का मौका बन रहा था। बाल बाल बचे, अगर ये थोड़े जल्दी आ जाता तो ये विकेट भी प्राप्त हो सकती थी रनआउट के रूप में। स्कोर लाइक को शेयर करते रहे 105 रन 4 विकेट के मुकाबले में। अगर ऐसे ही टीम खेलती रही तो 162 के लक्ष्य तक पहुंचेगी। 16.15 के औसत से रन बना रहे हैं इस वक्त। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है राहिद खान बरेली की तरफ से। बल्लेबाज दोनों इस वक्त लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन है वो दीपक और सोनू सहवाग का। सोनू मैन स्ट्राइक पर है और हम देख रहे हैं स्ट्राइक पर अब जाके पहुंचे दीपक। इसी बीच अगली गेंद लेकर लॉकर शॉट, कोई मौका नहीं है 6 रन। ये ट्रॉफी इतनी खूबसूरत है, गेंद इतनी पावर से लगी, फिर भी ट्रॉफी टच से मिस नहीं हुई। बिल्कुल मजबूत ट्रॉफी है ये, अगर कोई दूसरी ट्रॉफी होती तो इतनी तेज गेंद रही है ये 120 ग्राम जब आपको खींच के मारा जाएगा तो कितनी चोट लगती है। अगर ये हल्की ट्रॉफी होती तो आराम से उलट जाती। 111 रन 4 विकेट आजमगढ़ की खोज है। 111 रन 6.4 गेंद दी है, पांचवी गेंद सुबह की, 1 रन और बनाने से नहीं रुक पाएंगे। तो ये ऑफ साइड पर अच्छी शॉट लगा रहे हैं, लेग साइड पर भी अच्छी शॉट लगा रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि गाजीपुर की टीम की जो बल्लेबाजी है अब थोड़ी सी स्थिर नजर आ रही, क्यों? क्योंकि वो सीधे बल्ले से खेलना शुरू कर दिया है। इससे पहले वो ज्यादातर शॉट जो खेलते थे अनिल के अलावा और जो भी सुनील के अलावा ज्यादातर बैट्समैन वो लेग साइड को देखते थे, पुल करने को देखते थे, अब सीधे बल्ले से खेलना सीख गए। ये अच्छी चीज, ये देखिए कितना बढ़िया नटराकर मुद्रा में आकर गेंद को मुद्रक की दिशा में खेला है, यानी हम कहें डीप बैक वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर हुआ 112 रन इस वक्त, 112 रन 7 ओवर नुकसान पर। अब इसके बाद अभी 3 ओवर आना बाकी है, 18 गेंदें अभी आना बाकी है। क्या बल्लेबाजी में जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी अंकित कल की, ज्ञानेश्वर, गंभीर यादव, दीपक है, ऐसे अभी प्लेयरों का रजत का आना बाकी है, लेकिन कितने रन ये बोर्ड पर लगा पाते ये यहाँ से थोड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि बरेली को जब लक्ष्य का पीछा करना उतने पड़ेगी तो काफी दबाव महसूस होगा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा आपके ऊपर। और ये जो गेंद है वो भी पुरानी गेंद आपको दी जाएगी और पुरानी गेंद से तो जी फार ज्ञानेश्वर खतरनाक साबित होते हैं। 7 ओवर 113 रन इस वक्त सीआरपीएफ क्रिकेट क्लब है वन देवी सैदपुर गाजीपुर का। अब हम देखते हैं यहाँ से कितनी बढ़िया 18 गेंदें बची है, नए गेंदबाज को हृदेश को लाए। पहले मैच में 2 ओवर 1 रन 1 सफलता, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी करते ये ओवर द विकेट डाल रहे हैं बकरा बैक रेन से, 1 रन, अच्छा गेंदबाजी किया है। अब तक 7 गेंदें डाली है, 16 रन बोर्ड पर लगे हुए, 114 रन,
अब एक एक रन से टीम आगे बढ़ रही है। अब यहाँ से ये देखना होगा कि दीपक 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर 1 छक्के 1 चौके की बदौलत धीरे धीरे स्कोर को चलायमान कर दिया है। अब क्या ये और भी एक्सेलरेट करेंगे, क्या ये और पावर जनरेट करेंगे, या इनकी गिल्लियां बिखेरेंगे यहाँ पर मिस्टर हृदेश। ये एक लगा है और सप्ताह में ये क्या सफलता दिला दी है। अब यहाँ से कहीं न कहीं अब दबाव में आएगी टीम, क्योंकि जो बरेली है उनके पास बल्लेबाजी भी अच्छी है, गेंदबाजी भी अच्छी है। तो अब कौन ने बल्ले लेकर निकले हैं बल्लेबाजी के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आप टीम गाजीपुर, अगर आप भी अगर आज अगर जीतते हैं अपना मुकाबला, तो आपको किटअप होकर आना पड़ेगा अगले दिन जब आप पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट डे। तो आउटसाइड एज लगा था और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था हृदेश ने, 57 ने वो कैच किया था, 15 रन बनाए 8 गेंदों पर 1 चौके 1 छक्के की बदौलत। 127 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था बल्लेबाज का। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, विशाल यादव अच्छे क्रिकेटर है, ये भी लंबे हिट्स के लिए जाते, टीम ने मध्य क्रम में मौका दिया है लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते। 4 विकेट गिरने के बाद 5 विकेट गिरने के बाद इनको आजमाया जाता है। अब ये कैसे गाजीपुर, जो कहते हैं कि अगर हम कहें शहीदों की धरती, वीरों की धरती, 114/5 कमी है, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज इस बार बढ़िया लेंथ डाली है, वाइड का फैसला है। और अभी तक इस गेंदबाज ने काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, काफी चढ़कर गेंदबाजी की है इस ओवर में। पहले ओवर में 15 रन खाए थे, उसके बाद से इस मैच में अच्छी वापसी की है और काफी रिदम अच्छा है। जो गेट को जो सीम मूवमेंट के सहारे जो डिलीवर कर रहे हैं, जिस रिदम के साथ कर रहे हैं, पॉपिंग क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है ये नौजवान बरेली का खिलाड़ी। छोटा कद जरूर है लेकिन लंबे रनअप से अच्छे स्टैंड के साथ, देखिए कितना खुला हुआ स्टैंड है और रनअप भी अच्छा है, एक्शन में कोई कमी नहीं है। इस बार ये नो बॉल कर बैठे हैं, ये संभवतः जो फ्रंट फुट होता है वो पॉपिंग क्रीज को क्रॉस कर चुका था, इसलिए यहाँ पर ये नो बॉल करार दी गई है। अब गए हैं यहाँ हम देख रहे हैं बात करने के लिए जो है अब गेंदबाज जो है अहमद सर से बात की है, अंपायर से उस बात को तस्लीम किया है और अब जा रहे हैं अपने गेंदबाजी मार्क्स पर। 117 रन 7.2 गेंदे हुई है इस वक्त, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है और इस वक्त घड़ी में हम देख रहे हैं 2:32 हो रहे हैं और ऐसे ही ये मुकाबला चलता रहा तो संभवतः 4:15 के बीच समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है। ये भविष्य के गर्व में छिपा है कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन हम अपने मेहमानों को एक बार फिर खुशामदीन कहते हैं कि आज ये क्वार्टर फाइनल का नॉकआउट का आखिरी मुकाबला चल रहा है और स्कोर बोर्ड पर 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7.2 गेंदे हुई है, फ्री हिट का इशारा हो चुका है और अब हम देखते हैं कैसे गेंद डिलीवर करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि कप्तान का अच्छा सहयोग है, सद्दाम विकेट के पीछे आकर जो है शाबाशी दी है कि गोल्डन बॉय यू कैन डू इट अगेन, यू विल डू, यू हैव द पावर, आई कैन बिलीव ऑन यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ से सोनू सहवाग बड़ी हिट्स के लिए तो जाना ही है, क्रीज का इस्तेमाल किया है, घुसे हैं अंदर, कैच आउट तो होंगे नहीं, जल्दी थ्रो करना होगा अन्यथा ये दूसरे रन पे बल्लेबाज भागते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के मैच में जो है नो बॉल पर विराट कोहली खेल रहे थे, वो नवाजी गेंद थी स्टंप्स पर लगी और बल्लेबाज भागना शुरू कर दिए तो पाकिस्तान के जो फील्डर है मोहम्मद रिजवान और खिलाड़ी कह रहे हैं यह क्या हो रहा है। आपको रूल्स पता होना चाहिए, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर है कि वहां पर सिर्फ आपको रन आउट करार होता है। 118 रन 7.3 गेंदे 5 विकेट के नुकसान पर, तो मैदान पर प्रेजेंट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, अपना टेम्परामेंट बनाए रखना मैदान पर बेहद जरूरी है। इससे भी चढ़ने के लेकर एकता में तो बढ़िया, ये देखिए इस बार ये बहुत खूबसूरत डिलीवरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोनू यादव 4 रन बनाकर पवेलियन की राह जा रहे हैं। अब 2 ओवर आने बाकी है, इन 2 ओवरों में कितने रन बोर्ड पर लगाती है। अब निकले हैं 118/5 खिलाड़ियों में से एक अनुज गुप्ता जी बल्लेबाजी के लिए। अनुज 118 रन बोर्ड पर अंकित हमें नजर आ रहे हैं और ये 118 रन मुझे नहीं लग रहा कि इनफ है, क्योंकि जिस तरीके की सद्दाम की बल्लेबाजी है, उनकी टीम की बल्लेबाजी है, आतिफ जैसा बल्लेबाज, अच्छी टीम है, अच्छा बैक करेगी वो भी।
तो अभी ये जो मैच है वो पुरानी गेंद से हुआ है। अंपायर महोदय ने चार गेंदें दी गई थी, चार गेंदों में दोनों टीमों को जिस गेंद से खेलना है आप देख ले, वो अंपायर महोदय को दे दे, वो गेंदबाज तक सौंप देंगे। आपको नई गेंद जलाकर नहीं दी जाएगी। ये अमजद खान साहब दोनों अंपायर महोदय ने इस बात का यह निर्णय लिया था। चमचमाती हुई ये विश्व कप के आकार की ये ट्रॉफी और हमारे सामने देख रही ये गोल्डन और ब्लू कलर की ये ट्रॉफी जो मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से खिताब से नवाजा जाएगा कल। इस बकरा ब्रिटेन का आखिरी दिनों का इतिहास के गलियारे से देखे ये बहुत ही शानदार मैदान रहा है, जिसे हम सिटी बेकरी यानी बकरा ग्राउंड इसी बीच लेफ्ट सीमर आगे बढ़ के ड्राइव करना चाह रहे थे, बल्ले का बढ़िया मोटा हिस्सा लगा है कई एकाउं कार्नर पर, फील्डर मौजूद है और क्या ये नो बॉल है? एक बार फिर ये नो बॉल है, अंपायर महोदय ने फिर यहाँ फ्लोटिंग क्रीज का नो बॉल दिया है। और अहमद सर हम आपसे एक और विनती करते हैं कि आप जब हाथ थोड़े ऊपर की तरफ करते हैं तो हमें थोड़ा ठीक है, थोड़ा नीचे करेंगे तो यस बिल्कुल। और इसी तरीके से स्कोर 120 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 7.4 गेंदें डिलीवर हुई है, रन गत कुछ रुकी है, जब से अब सोनू सहवाग भी एकमात्र इनके पास ऐसे बल्लेबाज है जो टीम को उस दहलीज तक पहुंचा सकते हैं जहां टीम 150 रन 155 रन बोर्ड पर देखना चाह रही है। 120 रन हुए, ये 9 बॉले डाली है, एक्स्ट्रा गेंदें आपको डालनी पड़ रही है। मोहम्मद शमी ने 17 गेंदें डाली है, एक ओवर में सबसे लंबा ओवर, सोनू सहवाग ऑन फायर, सोनू ऑन फायर, सहवाग का पल्ला गूंज रहा है। और अब तक मुझे जो सबसे लंबा छक्का लगाने का कीर्तिमान मुझे, मैंने यहाँ दो बल्लेबाजों को देखा, कल भी एक बड़ा लंबा लॉन्ग शॉट लगा 126 रन पर, मुझे इस बल्लेबाज का नाम नहीं याद आ रहा है, सीआरपीएफ गाजीपुर निशांत नाम था इस बल्लेबाज का जो लखनऊ के खिलाड़ी थे, और दूसरा लगान के ऊपर से मारा गया था जो राशिद शेरवानी ने लगाया था। तुम देखी सोनू यादव 5 गेंदों पर 10 में पहुंचे हैं, ये लंबा ओवर आपने कर दिया, अगर बरेली को आगे जाना था तो आपसे उम्मीद थी एक अच्छे ओवर की, ये अगर 20 गेंद पर भी बाउंड्री आ गई तो फिर से बरेली दबा दे, और आने ही वाली है, आ गई। अब टीम यहां से फिर गोरखपुर गाजीपुर सीआरपीएफ एंड कंपनी वन दे भी आगे बढ़ रही है। स्कोर हुआ 132 रन 8 ओवर की समाप्ति पर, अगर ये दो छक्के नहीं आते तो मैच बिल्कुल बना था। फिर रन रेट ने तेजी पकड़ ली, 163 पे जो की स्कोर दिखा रहा था वो 165 का दिखाने लगा है। अब दो ओवर फिर एक बार हम देख रहे हैं गेंदबाजी के लिए राहिद खान को लाया जा रहा है, एक ओवर 15 रन एक सफलता जीत की थी, अब यहां से अनुज क्या करेंगे, या सिंगल लेकर सोनू सहवाग को ज्यादा स्ट्राइक पर रखेंगे, 132 रन 8 ओवर कुछ रन बना सकते हैं, जैसे भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्र अश्विन बनाते हैं। राहिद खान अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से बरेली की तरफ से ये 9 ओवर लेकर निकले, ये लॉन्ग शॉट, ये देखिए लंबाई का बहुत काम होता है, लंबाई अगर आपके पास है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है, उठा लिया। अच्छी कद काठी के बल्लेबाज है, गेंदबाजी बहुत नियंत्रण में करते हैं, गेंद जो बाहर गई है हम चाह रहे हैं हमारे इस जो बकरा कैप्टन जो हमारी जो टीम है वो इस गेंद को ढूंढ कर लाई, इसी में चले गए, एक और लॉन्ग शॉट हवा में है, फील्डर भी नहीं है, ये छोटा देखकर जाएगी, क्या बल्लेबाजी हो रही है, हम तो इनको एज ए बॉलर रिप्रेजेंट मानते थे, ये एक बॉलर है लेकिन क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं बल्ले से, रनों का अंबार लगा दिया है, गेंद को मैदान में पहुंचाए अहमद सर तक गेंद को पहुंचाई जा रही है, 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर सीआरपीएफ वन दे का स्कोर बरेली के खिलाफ। तो अब राहिद खान को वापसी करनी होगी, दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज आ गई है, एक ओवर में 15 आपने दिए थे, दो गेंदों पर 10 रन खर्च कर दिए, अब पूरा दबाव गेंदबाज के ऊपर होगा, उसके मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा। इसी बीच अगली गेंद और पल्ले का एक लगा है, क्या छूटा है, गेंद बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ, भाग्यशाली ने कैच भी छूटा और चौका भी दे दिया, सोने पर सुहागा हो गया यहाँ पर, एक तो तितलौकी दूसरे बीम पर चढ़े, एक तो वैसे ही रन बनते जा रहे थे, ऊपर आपने ऐसे चौके और विकेट को छोड़ा है, तो अब दबाव में है बरेली, 146 रन, गेंदबाजी में भी
अनुज अंकित कलकी, कैसा गेंदबाज जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस कहा गया, जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये दुरंतो एक्सप्रेस है और उनका साथ देंगे अनुज जब गेंदबाजी को लौटेंगे। ये अपने आप को बचाया भाई, नाम जानना चाहूंगा, आपने एक अच्छा फील्डिंग किया, आप लाजवाब फील्डर है, अगर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर का अवार्ड अगर कल होगा तो उनमें आपका नाम जरूर मनोनीत किया जाएगा। आपने जो फील्डिंग की है सराहना करता हूं आपकी फील्डिंग की। सुजीत सबसे अच्छे फील्डर ये है, बहुत लाजवाब कैचिंग किया, फील्डिंग किया, कुछ कुछ कमाल 70-70 टीशर्ट का भी है। बिल्कुल सर, और देखिए ना ये अनुज कहां बॉल डालने को जाते हैं, यहाँ बिना कुछ किए अपने टीम के लिए बड़ा योगदान दे दिए, जो मात्रा आप हम देखेंगे बोर्ड पर 5 गेंदों में 15 रन, ये अच्छा रन कर दिया उन्होंने, टीम को ये जिताने के लिए इनफ होते 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर चल रहा है बरेली के खिलाफ, अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए पहुंचे, अब टीम को ये कितने रन बोर्ड पर देते, नए बल्लेबाज रजत। अब ये इस ओवर में 2 गेंदें आनी है, कितने रन बना पाते। रजत ने भी प्रहार किया, आज जो आ रहे हैं वो फायर कर रहे हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे। अब सहवाग स्ट्राइक पर पहुंचे, अब सहवाग क्या करेंगे यहां से, इस गेंद पर सिंगल को देखेंगे या सिक्स को जाएंगे, क्योंकि एक ओवर भी आना बाकी है, वो स्ट्राइक ले या सिक्स लगाए, ये बड़ी सोचने वाली बात होगी बोर्ड के ऊपर। 147 रन 7 विकेट ये सिंगल लिया है, 6 गेंद खेलने का प्रयास है, वो समझ रहे हैं कि टैलेंटेड है तो हम आएंगे स्ट्राइक पर, 2-3 छक्के लगा दिए तो टीम का काम बनेगा। 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर करंट रन रेट 16.44 प्रोजेक्ट स्कोर 164 रन। अब 6 गेंदें बची हैं, ये 6 गेंदों पर कितने रन बोर्ड पर लगाते हैं। मोहम्मद आतिफ गेंद लेकर निकले हैं आखिरी ओवर के लिए, अब यहाँ पर बॉल भी बदली जा रही है, लेकिन हमारे 148 रन 7 विकेट 9 ओवर के महीने में चारों तरफ शेयर कर दे लाइक कर दे, हमारे भले बुजुर्ग हम सबका ख्याल रखकर करते हैं जी भाई। स्कोर कार्ड आज नहीं चल रहा है, इसके लिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओवर की पहली गेंद ये लॉक करने का प्रयास था, हम इसके दौरान कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। अपने विकेट का यहाँ पर जो कुर्बानी दी है, कौन बल्लेबाज आउट होगा, सोनू को आउट दिया अंपायर ने और बल्लेबाज को बुलाया जा रहा है, क्योंकि रनिंग जो है यहाँ लेट शुरू की रजत ने, सोनू भागते भी चले गए लेकिन रजत ने देखा नहीं, रजत को अपने विकेट की कुर्बानी देनी चाहिए थी क्योंकि सोनू बड़ी हिट लगाने को जाते। 149 रन रन आउट हुए हैं सोनू यादव, 7 गेंदों पर 17 रन, एक छोटी सी लेकिन बड़ी बेसकीमती बेमिसाल पारी के लिए। अब रजत का साथ देंगे सीआरपीएफ टीम के कप्तान ज्ञानेश्वर, 12 बंकी में भी टीम फाइनल खेली थी, बड़ी दूर दूर की टीमें आई थी वहां पर, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ज्ञानेश्वर शर्मा पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए, आजम भट्ट का कल है भाई, कल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। बची है कितने रन जुटा पाते, 149 रन 160 रन को टीम देख रही थी, अब यहाँ से 5 गेंदें बची है, फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, दिल जीता है इसकी फील्डिंग और इनकी गेंदबाजी ने, हालांकि थोड़ा फ्लिंगी है, स्लोअर उम्मीदों को फिराया था, ऑफ कटर गेंद थी, इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास अच्छा बल्लेबाज है तो अपने विकेट की कुर्बानी दे देनी चाहिए, ऐसी गेंद को सोनू सहवाग पेड़ के ऊपर सागौन तक मार देते, इतनी ताकत है अदम्य साहसता, ये लीजिए जैसे को पैसा मुझे झूठा साबित कर दिया, अच्छा हमको ऐसा बोल रहे थे, ये लो हम भी छक्का लगा दिए, इसी बीच एक और छक्का, 155 रन बोर्ड पर, 8 विकेट के नुकसान पर 9.3 गेंदें हुई है। अब यहाँ से बची है 3 गेंदें, कितने रन रजत बोर्ड पर लगा पाते, 3 गेंदों पर 7 रन ज्ञानेश्वर शर्मा है नारी स्ट्राइक पर। सीआरपीएफ काजीपुर इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में नॉट आउट मुकाबला है, इसी बीच आसिफ की अगली गेंद, इस बार भी लॉलीपॉप गेंद थी, पहली बार था बल्ले का मुंह खोला था इस बार लेके ऊपर 6 रन,
161 रन 9.4 चल रही है मैदान के ऊपर, 161 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब बची है दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज तो लगा दिया है, छोटे कद के हैं लेकिन जो है काम बड़ा कर रहे हैं कि स्मॉल पैक भी ब्लास्ट, छोटा पैक बड़ा धमाका। इस बीच अगली गेंद क्या ये रन आउट की मांग, अपील की जा रही है, अपना स्ट्राइक छोड़े या नहीं, कौन बने बात पे विलियन जाएगा, अंपायर महोदय से मैं जानना चाहूंगा, खुद जा रहे हैं यानी ज्ञानेश्वर शर्मा आखिरी गेंद खेलेंगे। अब निकले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस दुरंतो एक्सप्रेस अंकित पारो नंबर में बल्लेबाजी के लिए। अभी हाल ही में उड़ीसा, भुवनेश्वर, बंगाल, उसके बाद इन्होंने क्रिकेट खेली है, 20 लाख जो प्राइस था, भोपाल, ये तमाम लीगें खेलकर ये लौट रहे हैं। लेकिन मैं तो मानता हूं इन्होंने अपने करियर के साथ खुद के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि ये वो गेंदबाज हो सकते थे जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए रणजी तक ये जा सकते थे, लेकिन अपने आप को टेनिस क्रिकेट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन फिर भी ठीक है, आप भी टेनिस में आगे जाने की अच्छे स्कोप है। आखिरी गेंद 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर, 9.5 गेंदें हुई है, 164 का जो प्रोजेक्ट स्कोर था बिल्कुल उसके समीप पहुंची थी। ये ज्ञानेश्वर भी आकर फायर कर रहे हैं, कैच हो सकता है, हो गया, 162 रन जब उतार देगी बरेली, बनाने के लिए 162 रन बोर्ड पर लगाने होंगे। और आगे कमेंट्री के लिए मेरे पास वक्त है बड़े सीनियर कमेंटेटर सा अब्दुल सर के पास। पब्लिक ज्यादा बैठा, शुक्रिया सुजीत। तो जो 162 का टारगेट दिया है यहाँ पे गाजीपुर, मैं देख रहा हूँ कि बॉलिंग के हिसाब से ठीक है, एक अच्छी बॉलिंग लाइन गाजीपुर के पास है, तो 162 रन का टारगेट लोअर 11 बरेली को बहुत कुछ करना होगा। दोस्त यहाँ पे 500 रुपए की नाम आया है साकिब एकाना स्टेट लखनऊ, अगर कोई भी टीम जीतेगी 500 रुपए की नाम दिया जाएगा। शुक्रिया साकिब भाई छत्तीपुर, आप इकाना स्टेट लखनऊ से भी आपका बड़ा नाता है और यहाँ पे चल के आए हैं मेहमान खास बनकर, मैं आपका वेलकम और खर मदम कर रहा हूँ इसे पकड़ा के टेन कप जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की यहाँ पे अनिल ने, अनिल को 100 रुपए के नाम लेगा, अनिल अपना 100 रुपए के नाम लेके जाएंगे और अहमद सर आपको 10 रुपए के नाम सलमान गहने दिया है। ये सारे नाम हमारे बीच मौजूद है, मैं मैच खत्म होने के बाद दूंगा। हफीज भाई साहब आपका भी शुक्रिया इस बखरा के दिन कप टूर्नामेंट में आपकी हाजिरी हुई है, और साकिब भाई छत्तीपुर इकाना स्टेट लखनऊ आपका भी शुक्रिया, आप नवाबों के शहर लखनऊ में अपना आशिया बनाया है, लेकिन आजमगढ़ आपको याद है कि आजमगढ़ के लोग अपना ये गांव, आपके लोग, आपका ये गवर्नमेंट, आपका ये पड़ोसी गांव जो अमजद के नाम से गवर्नमेंट करवाया गया है, कोई एक नाम नहीं है, ये आजमगढ़ की एक पहचान है, आजमगढ़ का एक ब्रांड है क्रिकेट के मैदान का अमजद, उसका ये टूर्नामेंट जो चल रहा है, कल मेगा फाइनल, कल मेगा डे टूर्नामेंट, कल बहुत बड़ा दिन होगा इस टूर्नामेंट का जिसमें फाइनल खेला जाएगा, और इस टूर्नामेंट में सब कुछ बेस्ट से बेटर से बेस्ट किया गया है, बेटर गुड नहीं बेटर कहूंगा, बेटर से बेस्ट करने की कोशिश की है बखरा की टेन कप आयोजन कमेटी ने। ये ट्रॉफी आजमगढ़ की सबसे बड़ी ट्रॉफी आई है, सबसे खूबसूरत ट्रॉफी अब तक आजमगढ़ में नहीं आई थी, ऐसी ट्रॉफी लेके आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। साकिब भाई जो दुबई में है, रकीब साहब जो आर्मी कंप्यूटर दुबई में है, जिन लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग, और पूर्व प्रधान डॉक्टर शाहिद साहब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने पूर्व क्रिकेटर फैज भाई पकड़ा भी मौजूद है, मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब पूर्व प्रधान, पकड़ा का ये ग्राउंड, ये खेत, इसे ग्राउंड में तब्दील किया गया और आपने नूर 11 बरेली अपने सलामी बल्लेबाज को भेज दे, आपका इंतजार किया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर। अब गाजीपुर एक्सप्रेस, गाजीपुर एक ऐसे जिले का नाम है जहां पे हिंदुस्तान की सेवा करने वाले पैदा होते हैं, अगर आप देखेंगे मिलिट्री में
और पुलिस विभाग में तो हर घर में एक बंदा मिलेगा जो मिलिट्री में होगा या सुरक्षा कर्मी में है। सलाम है इस जिले को जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा करने को ठाना है। आज उनके नौजवानों की जिम्मेदारी आन पड़ी है कि अपने जिले का नाम रोशन करें, नूर 11 रायबरेली को चकमा दें। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट तब क्या हो जाएगा, कुछ क्या करना बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान सबको हराता आ रहा था, हराते 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 और इतनी शर्मनाक हार हारा कि पूरा हिंदुस्तान इस तिरंगा से अपने आंसू को पोछा है। और मैं आवाज दे रहा हूँ टीम कैप्टन नूर 11 बरेली अपने बल्लेबाज को भेज दे, नूर 11 बरेली अपने बल्लेबाज को भेज दे। तो साकिब भाई इकाना स्टेट लखनऊ आपका मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कि आप यहाँ पे आए हैं। हाफिज सईद हफीज भाई सैदपुर आपका भी शुक्रिया। दूसरा भी बल्लेबाज निकले हैं, साहब आपके पास गेंद है ना अपने। अब देखें जो नौजवान बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट सीखना चाहते हैं, अनुज किस तरह से गेंदबाजी करेगा तो आप देखें। अभी ज्ञानेश्वर जो टीम कैप्टन है वो किस तरह से गेंदबाजी करेगा इस बार आप देखें। ये टीम एक आदर्श टीम है, एक बेहतरीन टीम है गाजीपुर। आकिब और हफीज की जोड़ी आई है, आकिब और हफीज की जोड़ी आई है। तो दोनों टीम शुरुआत कर रही है, ये हफीज और जो उनके साथी मैंने कहा हूं आकिब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए कि शुरू करते हैं कि बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा, किया कर बात थक अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। आगाज तो अच्छा है अंजाम जगा जाने। गाजीपुर किस तरह से गेंदबाजी करेगा, अनुज के हाथ में है गेंद, दोनों अंपायर रयाज भाई और अहमद सर की अच्छी अंपायरिंग, 162 का टारगेट 10+10 के मुकाबले में। अंतिम क्वार्टर फाइनल, कल दो सेमीफाइनल और एक फाइनल होगा, कल सेमी और फाइनल खेला जाएगा, दो सेमी एक फाइनल। कल आप आइए तैयारी के साथ इस बकरा क्रिकेट कप पे, कल मेहमान खास आने वाले हैं जफर सिद्दीकी पुरस्तर साहब जो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, जफर सिद्दीकी जावेद सिद्दीकी आ रहे हैं, जावेद सिद्दीकी जौनपुर समाजवादी पार्टी लीडर और ऐसे बहुत सारे नाम, मोहम्मद आमिर सिंदरी भावी प्रत्याशी निजामाबाद बहुत प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर और मौजूदा बीडीसी अजयपुर सिकरा उमर बीडीसी बकरा इस मुकाबले को देख रहे हैं और अबू बकर भाई पूना वाले भी इस मुकाबले जी। फटाफट सारे लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, सारे यहाँ तो जहाँ एक भी नहीं था वहां चौका मिल गया कि ये आतिफ के बल्ले से ये 162 का टारगेट है भाई, 162 का टारगेट है आतिफ के बल्ले से दोस्त ये चौका निकला है। कल के लिए तैयारी कर ले, कल के लिए तैयारी कर ले उमर साहब जो बीडीसी हैं कमर कस ले, कल बड़े मेहमान आने वाले हैं, बहुत मेहमान आने वाले हैं यहाँ पे। अमजद भाई पूरी कमेटी के साथ तैयार है और ये आके बड़ा स्टॉक बहुत ही लाजवाब स्टॉक खेला है। कैच की सत्ता है माइक अंपायर का इशारा मैं जाना चाहूंगा, चार है या चार कैच छूट गया, एक मिसरी ले कैच छूटा है, इस तरह से कैच चढ़ेंगे तो मैच छोड़ देंगे, चार चार आठ हो गया है। कैचेस विन द मैचेस, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है, जो टीम जीतेगी 500 रुपए इनाम,
साकिब भाई एक आना स्टेप लखनऊ की तरफ से आएगा। ये समाज सेवी है, सोशल वर्कर है। फैज भाई बकराब कोर के कटर भी देखे जा रहे हैं, हफीज भाई सैदपुर भी देखे जा रहे हैं और अमजद भाई कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, मैच पे बैठे बता रहे मैं आज मेजबान हूँ और हर एक आने वाला मेरा मेहमान है। तो मेहमानों की मेहमान नवाजी आजमगढ़ के हिंदुस्तान में पहचानी जाती है, उसी का सबूत दे रहे हैं यहाँ पे अमजद भाई कि मैं आयोजन करता कमेटी हूँ, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, लेकिन ये एक सीखने वाली बात है छोटे बच्चों के लिए कि किस तरह से अपने पुत्र का सम्मान किया जाता है। अनिश्चय एक और लेकिन फील कर लेंगे आप। अबू बकर साहब पूरा आ चुके हैं, हैट्रिक 6 पे 500 के नाम लगा दिया है। अब इससे जितने लगेंगे हैट्रिक 6 500 के नाम। अनुज अपने आप से बातें कर रहे हैं, ये गाजीपुर एक्सप्रेस कहा जाता है, गाजीपुर एक्सप्रेस कहा जाता है। अनुज भैया तवसु किया तो पहुंचे गीत करेंगे और ये बेहतरीन लगातार आके दिस्टो खेल रहा है। एक और छक्का स्कोर 14 तो बता रहा है कि अनुज साहब आप गाजीपुर से हैं तो मैं बरेली से हूँ, नूर 11 बरेली से हूँ। जंग लाजिम है तो जंग करूंगा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो अब यहाँ पे जंग लाजिम है, किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे। अनुज तैयार, तासू किया रोड छोर से और प्रकाश किया ब्यूटीफुल इन स्विंग यार कर, अब ब्यूटीफुल इन स्विंग यार कर, यही अनुज है। जैसे गेंद उनकी इन स्विंग यार कर हुई, बल्लेबाज बल्ला चला नहीं पाया और स्टिक निकाल दी जमीन से। अब कौन सा बल्लेबाज जाएगा नूर 11 बरेली की तरफ से। आपके लाइक और शेयर करते, लाइक और शेयर करते रहे। इन स्विंग यार कर जिसकी कोई डिफेंस नहीं है, ऐसी गेंद पे तो अक्सर क्लीन बॉल होते हैं। तो साकिब साहब जी हाँ भाई वही दिखा रहा था, बट आज सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा अगर सही हो गया तो। हफीज साहब सैदपुर और अमजद भाई की पूरी कमेटी का शुक्रिया इस खूबसूरत टूर्नामेंट के लिए। नए बैट्समैन से प्लीज बल्लेबाज का नाम क्या है, सहराब पहुंचे। रोस्तम और सहराब की कहानी आपने पढ़ा होगा किताबों में, रोस्तम रोस्तम हिंद कहा जाता है, लेकिन रोस्तम का जो शहजादा था उसका नाम था सहराब और एक जंग में अपने पिता को पेट लगा दिया था सहराब, अनजाने में ये नहीं पहचान पाए थे कि ये मेरे पिता है मैं उनका बेटा हूं, लेकिन सहराब ने रोस्तम को पेट लगाया था। तो वो सहराब ने किया बल्लेबाजी करने के लिए, इतिहास पढ़ा जाए तो बेहतर है। और अनुज तैयार आ रहे हैं गाजी करने के लिए, अनुज किस तरह से गिदारी करेंगे। नौजवान बकरा आपका शुक्रिया इस टीटन जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, तैयार हो तो अनुज गुप्ता पहुंचे गए करेंगे और फिर हवा में खेला है और क्रिकेट में चार स्कोर 18। एक महंगे ओवर की समाप्ति हुई, एक महंगा ओवर का हुआ है और नौजवान बच्चे बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भी इस मुकाबले में देख रहे हैं। ये छोटे बच्चे इस क्रिकेट को देख करके ये क्या हो रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे आजमगढ़ के बच्चे अगर 10 साल के हैं तो उन्हें क्रिकेट का सारा नियम मालूम है कि बीमर क्या है, नो बॉल क्या है, ओवर स्टेपिंग क्या है, वाइड क्या है, रन क्या है, बॉलर क्या है, फील्डर क्या है। लेकिन हाई स्कूल पास कर दिया गया हमारा बच्चा, हाई स्कूल पास है उन्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर शायद ही याद है या सुपरलेटिव डिग्री क्या है ये नहीं बताएगा, लेकिन क्रिकेट क्रिकेट का इतना जुनून है कि इसको ये लोग जानते हैं। यहाँ बॉलर्स आ रहे हैं, बॉलर्स नेम रजत अग्रहरी, टोटल स्कोर 18। रजत अग्रहरी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हमारी माए बच्चों को लोरिया सुनाती थी दुनिया वाली लाल क्रिकेट, लेकिन अब तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मकाफिल, एक और उमदा स्टॉक 6 रनों के लिए। और हमारी दादी माँ जितनी कहानी मुझे सुनाए थे दोस्त, मैं एमए तक सारी कहानी को बड़े आसानी से मिलती गई। कैम्ब्रिज
टेल ऑफ द सिटी, आप एमए के अगर स्टडी करेंगे इंग्लिश से तो उसमें किताबें मिलेगी, ए टेल ऑफ द सिटी, मेरा कष्ट ब्रिज, ये सारी कहानी मैं बचपन में सुन लिया था अपनी दादी माँ से, तो पढ़ने में मुझे बड़ी आसानी हुई। और आज की माँ और दादी माँ सीरियल देख रही है, बच्चों को कहाँ पढ़ा रही है, बच्चों को कहाँ बता रही है, तो घर में रहने वाली पर्दा मशीनों अपने बच्चों को पढ़ाओ, मगरिब के बाद बच्चों को मोबाइल छीन लो बैठा दो पढ़ने के लिए, फजर की नमाज के बाद उनको उनके सबक को दोहराओ, जरा मेहनत करो तब हमारा बच्चा पढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम सीरियल देखेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। एक और लिखता हुआ स्टॉक रजत अग्रहारी का जबरदस्त स्वागत किया है, जबरदस्त स्वागत किया है, बैनर पे गेट लगी है, बैनर पे गेट लगी है और बैनर फट गया, लेकिन ट्रॉफी पे गेट लगी है, ट्रॉफी मुझसे आ गई, ये दोस्त ये जो ट्रॉफी है अफगानिस्तान 70-70 की बड़ी मजबूत है, मैं हैंडीकैप हूँ लेकिन मेरे सामान बड़े मजबूत है, जो भी 70-70 की चीज कहनेगा वो अपने आप में इसका रहेगा, एक्सेप्शनल क्वालिटी का मालिक रहेगा, एक बेहतरीन ये खेल चल रहा है, सामा भाई इस रैली में लगे आवाज कहीं नान रोगनी का जो मौसम चल रहा है उसी में देखे जा रहे हैं, नान रोगनी का जो मौसम चल रहा है उसी में देखे गए, आइए आपका वेलकम है, एक बेहतरीन इतनी तेज गेंद लगी थी ट्रॉफी पे, ट्रॉफी पे टस मस नहीं हुई, एक बैनर पे लग गया, बैनर फट गया, तो ये अमजद भाई जिस चीज को लेते हैं बड़ी ठोस लेते हैं, बड़ी मजबूत लेके आते हैं, शुक्रिया। तो बच्चों पढ़कर खेलो काम बनेगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि उसमें डूब जाइए तब काम बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आजमगढ़ पढ़ रहा है, तैयार रजत अग्रहारी, एक और चुनौती घूमकर लेना चाहा कामयाब नहीं, इस बार आपने देखा होगा मेडिकल में जो क्वालिफाई किया है उसमें 50-55 बच्चे हमारे आजमगढ़ से, और उसका सम्मान समारोह किया गया था शादी में, मैं ही बच्चों के लिए अनाउंसमेंट किया था, बड़ा अच्छा मुझे लगा था, मेरा सीना चौड़ा हो गया था, और इस तरह से जिस तरह से हम खेल में कोशिश कर रहे हैं, खेल में पैसा लगा रहे हैं, हम लाइब्रेरी बनाए, हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, हर गांव में एक कोचिंग सेंटर हो, उसके लिए पैसे लगाइए, पैसे वालों आजमगढ़ पैसे की कमी नहीं है, जरा सा कोशिश करो एक लाइब्रेरी हर गांव में हो, एक कोचिंग सेंटर हर गांव में हो कि हमारा बच्चा पढ़ा सीखे, हम खेलेंगे जरूर लेकिन पहले पढ़ेंगे दोस्त, तैयार होने के बाद करने के लिए रजत अग्रहारी कुछ सोचते ही अंपायर को क्रॉस मैच अक्रॉस किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे ऊंचा स्टंप मैदान के ऊपर से एक और छक्का मैदान, छक्का निकला है, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेला, मैं कभी बैट को नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं हैंडीकैप हूं, मैंने वॉलीबॉल नहीं खेला लेकिन पढ़ा है और यहाँ पर इज्जत से मुझे खेल के मैदान पर लाते हैं, तो बच्चों पढ़ो, खूब पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, पर डूब जाओ अपने इल्म के दरिया में, कि न तो भाई छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, स्कोर 37 एक विकेट के नुकसान पे, इल्म को न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, आप चमकेंगे, आप निखरेंगे, जहां रहेंगे आपके लोग पहचानेंगे, खेल का मैदान है, 37 बन चुका है दो ओवर की समाप्ति पे, अभी जो दूसरा ओवर चल रहा है, रजत अग्रहारी खेल रहे हैं और साकिब भाई एक अना स्टेट के जो ऑनर है छत्तीसपुर से, मैं इनसे कहूंगा कि आप लोग एक ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाकर हर गांव में एक लाइब्रेरी दें, हर गांव में कोचिंग सेंटर दें, जहां हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ें, लाइक और शेयर करते हैं, चार के लिए इसको निकल रहा है, इसको 48 अमजद भाई एक ऐसा नाम जो चीज ठानता है वो कर लेता है, जो चीज ठानता है वो करता है, इस आजमगढ़ टीटन पखरा कप का कल फाइनल है, कल के बाद एक सोच आएगी अमजद भाई के दिमाग में कि मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी डालूंगा, पुस्तकालय डालूंगा, और जब हमारे बच्चे लाइब्रेरी में दौड़ेंगे जिस तरह से उस खेल के मैदान पर दौड़ते चले आते हैं देखने के लिए, जिस दिन हमारा हिंदुस्तान दौड़ा लाइब्रेरी की तरफ, कुतुब खाने की तरफ दौड़ा, उस दिन हमारा हिंदुस्तान विकासशील नहीं विकसित होगा, अगर पढ़ लिख के आएगा हम पढ़ लिख के अगर सफल करेंगे तो भी अच्छी करेंगे, पढ़ लिख के खेलेंगे तो भी अच्छा करेंगे, लेकिन बिना पढ़े हम अंधे हैं, जाहिल हैं, बेकार हैं, माजूर हैं, बेकार हैं, तो यहाँ पे कल है भाई, कल है नुमान नुमान एंड कंपनी, आबिद एंड कंपनी वर्सेस मंजीत 11 मऊ, और आज इसमें से जो जीतेगी उसका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, उसके बाद फाइनल इज हाफ डन,
अच्छी शुरुआत आगा काम कर देती है, तो शुरुआत अच्छी मिली है। आगाज 41 रन और ये भी कहता कह रहा हूँ कि यू जमीन पे बैठ कर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना उड़ान वालों को पहचानता है, उठते हुए सूरज की हर कोई पूजा करता है, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देखना चाहता है। तो ऐसे उड़ान भरो जिसे लोग पहचाने, जिससे लोग समझे। तो नूर बरेली की टीम अभी शुरुआत अच्छी की है। अब यहाँ के पास कौन आया दोस्त? अंकित कालकी आया है। ये बहुत ही प्यारा नाम है दोस्त, बहुत ही प्यारी क्रिकेट ये खेलते हैं। मुसैब आलम इनकी एक गेंद को हेलीकॉप्टर के अंदाज में छक्का लगाया था। अंकित कालकी देखता रह गया था कि ये बच्चा कौन है, इतना अच्छा कैसे खेल गया। उम्र कम है, चर्चे ज्यादा है अंकित कालकी के। अंकित कालकी तैयार, रोज छोर से डॉक्टर शाहिद को प्रधान छोर से महसूस किया। बेहतरीन बल्लेबाज मौका ही नहीं पाया कि बल्ला मैं चलाऊं, और बल्ला चलाने का मौका नहीं दिया। अब ये अंपायर से कुछ मांग कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन दोनों अंपायर काफी अंदर भी है। यही अंकित काल के है। काशिपुर 41 रन स्कोर हो चुका है, 41 आ चुके हैं। अंकित काल के साथ 162 बाउंस पूरा आ चुका है। अभी बकर पूना वाले मैं देख रहा हूँ पूरा मजा ले रहे हैं इस खेल का। तैयार होते और बकाश किया लेकिन अपने आप को रोक लिया है। इसको 41 रन एक विकेट के नुकसान पे 10+10 का ये मुकाबला है। बहुत उम्दा ये मुकाबला है और ये तिरंगा लड़ा रहा है। पर बस से होगी ऊंचा हम साया आसमा का बेहतरीन खेला है। ये बोल्डिंग तक जा रही है 6 रनों के लिए। ये दोनों बल्लेबाज स्कोर 47 शाहरुख खान स्कोर 47 शाहरुख खान भी छक्का लगाकर अंकित कालकी से कहा है संभल के आइएगा, आज ही मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। कालकी तैयार, अब पकड़ किया युद्ध पहुंचे। एक और हेलीकॉप्टर के अंदर लो बल्ला चला है, एक और छक्का 53 रन। अंकित कालकी से कहा है इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। दो लगातार छक्का लगा है, इस पर लगेगा तो आप बकर पूना वाले की तरफ से 500 रुपए के नाम, हेलीकॉप्टर छक्के पे 200 के नाम दिया जाएगा। अमर साहब मौजूदा बीडीसी बखरा 200 के नाम दिया इस बच्चे को जो हेलीकॉप्टर स्टॉक लगाया था। और हैं अंकित काल की तैयार तो किया बिल्कुल पहुंचे गए कहेंगे। बहुत अच्छी गेंद, क्या उमदा गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज पहली पाया स्कोर किया, कलाइयों को उंगली को फेरा था। यही बड़े खिलाड़ी की पहचान है, 4 गेंदों की 2 छक्के पड़े लेकिन 2 गेंदों पे चारों खाने चित कर दिए थे बल्लेबाज को, चारों खाने चित किया था बल्लेबाज को अंकित काल की अपनी 2 गेंदों को। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरे पास मुकाबले को दिख गए हैं और शर्मा भाई तो अपने बच्चों को भी लेके यहाँ पे आए इस रैली से। तैयार होती एक मरतबा फिर चांस बन गए हैं कैच के, अनिल नीचे आ रहे हैं। ओ माय गॉड, कैच ड्रॉप, कैचेस युद्ध मैचेस कहा जाता है। जी हाँ, कैच छूट गया, लगातार हिम्मत बढ़ा रहे हैं, तीसरा ओवर जारी है, इसको 54 है। अनिल अपने आप को क्या माफ करेंगे, अपने आप से बात कर रहे हैं अनिल कि मैंने ये क्या किया। गणेश्वर को समझाया घबराने से काम नहीं बनता है, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, तो जीने की तरकीब निकालने लगी। तैयार होते प्रकाश किया एक मतलब फिर बहुत अच्छी गेंद अंकित कल के ओवर की समाप्ति 3 ओवर 54 रन 18 पिया 3 ओवर 54 रन 3 ओवर पावर प्ले खत्म हुआ है। बहुत प्यारा मुकाबला और मैं देख रहा हूँ कि 3 ओवर 54 रन की जाएगी यहाँ पे नूर 11 बोली गुड गोइंग। और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश तरह ताजा कमेंटेटर अबो साहब कास्टी का मैं माइक पे इंतजार कर रहा हूँ, आइए माइक पे अबो साहब कास्टी।
162 का टारगेट है। शुक्रिया शुक्रिया शाहबान साहब, बड़ा ही प्यारा मुकाबला है। दर्शक जो लगातार खामोश थे, अब मैं देख रहा हूँ हरकत में आ रहे हैं। 18 रन प्रतिवर औसत यहाँ पर बना रहा है नूर 11 बरेली। अब बचे हुए ओवर में मैं बता दू 15.43 रन प्रतिवर औसत रन बनाने की आवश्यकता है। बड़ा ही प्यारा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। दोनों जो टीमें इस वक्त आमने सामने हैं, जो दर्शक जो श्रोता दूरी से जुड़े इस टूर्नामेंट से, मैं बता दूं एक तरफ बरेली है नूर 11 के नाम से अपना गेम शो कर रही है, वही दूसरी तरफ जो है टीम गाजीपुर। टॉस जीता था नूर बरेली ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला बल्लेबाजी करने उतरी टीम गाजीपुर ने। 10 ओवर में गेंदबाज अंकित है तो हाथ उठाते ज्ञानेश्वर। शुक्रिया अभिजीत भाई। ज्ञानेश्वर शर्मा को लाया गया है बॉलिंग मोर्चे के लिए। चौथे ओवर की जिम्मेदारी पावर प्ले पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब एक मौका है फील्डरों के पास, आप 5 फील्डर को बाउंड्री सीमा रेखा के करीब रख सकते हैं। 30 गज यार्ड के जो है अंदर 6 प्लेयर रहेंगे, 6 क्षेत्र रक्षा रहेंगे। पहली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं ज्ञानेश्वर शर्मा। 54 स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। चौथे ओवर की पहली गेंद और इस मरतबा शॉट लाइन गेंद टिक्का खाने के बाद बाहर की तरफ मुंह हुई, उसको जाने भर दिया विकेट कीपर के दाताने में। कोई जोखिम कोई रिस्क नहीं लेना चाहा बल्लेबाज। पावर प्ले की बात की जाए तो 18 रन प्रतिवर औसत रन बना था, लेकिन चौथे ओवर की जैसे गेंदबाजी लेकर आए गए ज्ञानेश्वर शर्मा के बेहतरीन दो गेंदे, लेकिन अगली तीसरी पर क्या खूबसूरत छक्का लगाया बल्लेबाज ने। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 61 रन। अब यहाँ पे 51 रन 61 रन 1 रन की आवश्यकता। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज के कप है 400 स्ट्राइक रेट शो कर रहा है। 5 गेंदों का सामना किया, 20 रन पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ हैट्रिक पर है। हैट्रिक पर है, अगर हैट्रिक लगाते हैं तो जनाब अबू बकर साहब पूना वाले बिल्कुल अपने कल्ब के पैमाने को छलकाने के लिए जलवा फोज हो चुके हैं। जनाबे शाकिब साहब ग्राम छिट्टेपुर एकाना स्टेट लखनऊ और जनाबे हफीज साहब फैतपुर, आइए आपका भी वेलकम है। इस देश का खूबसूरत क्लब ले जाए पीछे फील्डर है, दर्शक चिंता देखता रह गया और उसके सर के ऊपर से गेंद पहुंची सीधा मेरान बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन और छक्के के साथ हैट्रिक पूरी होते हुए बल्लेबाज सौरभ की आज के दिन की पहली छक्के की हैट्रिक होगी अफगान भाई। और स्कोर कार्ड भी बड़े तेजी के साथ
ऑफ करता हुआ 73 रन 23 प्लस ऑफ 1 विकेट 3 ओवर कंप्लीटेड फोर्थ ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर ज्ञानेश्वर शर्मा। आइए बात की जाए पूर्व काट की 73 रन शो कर रहा है भाई दद्दोपुर लाइव बल्लेबाज का नाम सोहराब है दुरुस्त कर ले तो शुक्रिया जानकारी देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ टीम कैप्टन बरेली सोहराब क्या खूबसूरत बल्लेबाजी अभी तक रही है इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है अगर आपको आखिरी 4 में प्रवेश करना है बीच फिर से लाभ किया है एक रन के बाद दूसरे की तलाश लेकिन खतरे वाले छोर पर थे बल्लेबाज सोहराब ने बढ़ते हुए कदम को पीछे की तरफ भाई सद्दाम भाई 1 मिनट इजाजत बहुत जरूरी है आप अपने बल्लेबाजों से कहिए अंपायर से इजाजत ले उसके बाद आप तो कॉल करेंगे फिर आप जा सकते हैं। स्कोर 74 रन 162 के जवाब में और 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अभी भी अगर बात की जाए तो स्कोर से मैं जानना चाहूंगा अब यहाँ पे जो 36 गेंदें बची है उसमें कितने रनों की आवश्यकता है टीम नूर 11 बरेली को कितना वो स्कोर शुक्रिया तो 36 गेंद 88 रन 88 रन 14.67 रन प्रति ओवर औसत से रन बनाने की जरूरत है लेकिन अफगान भाई जरूरत है इसी तरह की तेज बल्लेबाजी की और साथ साथ आपको विकेट भी रोकना होगा क्योंकि टीम हाथी से जो है बिल्कुल मची हुई टीम है अच्छे अच्छे गेंदबाजों से सजी हुई है कभी भी मुकाबले में वापसी कर सकती है ऐसे में जो पश्चिमी छोर से हवाओं का छोटा धीरे धीरे आ रहा था अब उसमें बढ़ोतरी हो रही है और सूरज धीरे धीरे ढलान की तरफ है ऐसे में दर्शकों में भी इजाफा देखा जा रहा है दर्शकों की तादाद में भी बढ़ोतरी होती हुई उमर साहब वर्तमान डीडीसी बखरा उनके भाई जनाब अबूबकर साहब गुना और पूर्व क्रिकेटर कह लीजिए समाज सेवी कह लीजिए या नेक दिल कह लीजिए जनाब साहब इस बीच चुनाव किया है सीधा जो है कम बॉक्स की तरफ एक्स्ट्रा कवर के साथ के पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर चावल एक और चौका जोड़ा जाएगा बल्लेबाज सोहराब के खाते में और टीम नूर 11 के खाते में टोटल स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 78 रन 162 के जवाब में बेहतरीन शुरुआत किसी ने क्या खूब कहा है कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख भीगे हुए परों से प्रवास करके देख तो यहाँ से पूरी तरह से जो है एक ऊंची प्रवास की तलाश में अपने पर को खोल चुका है नूर 11 बरेली इस वक्त जीत के लिए बिल्कुल जो है करो और मरो की नौबत चलती हुई एक कह रही है कि तुम्हें जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की तो दूसरी कह रही है हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की काफी प्यारा मुकाबला आज का दिन का देश एक और लवली ड्राइव लेकिन उससे उम्दा फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर अंकित कालकी के जरिए लॉन्ग आप पर बाउंड्री लाइन से दौड़ कर आए और लगभग गेट को फिर किया सफाई के साथ थ्रो किया 1 रन के साथ स्ट्राइक को रिपोर्ट किया है अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं शाहरुख खान 11 गेंदों का सामना किया 27 रन 4 छक्के लगाए अपनी इस पारी में क्या करते हैं गेंदबाज अनुज गाजीपुर का ओल नौनिहाल गाजीपुर का ओल नौजवान लेकिन छोड़कर पहुंचल जाती हुई गेंद विकेट कीपर भी चुका और नो का इशारा आ रहा है कभी वाइट मजर चाहता हूँ एक हाथ आपका ऊपर था एक हाथ पैक में तो वाइट का शुक्रिया तो वाइट के साथ 5 रन जोड़े जाएंगे खाते में तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा
रन था उसमें और रन बढ़ा दिया गया है। अगर ये कह दिया जाए कि अतिरिक्त रनों में इजाफा हो रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड 84 रन को कर रहा है। 162 रन बनाने हैं। ऐसे में तमाम दर्शक में देख रहा हूँ खामोशी के साथ मुकाबले को देख रहे हैं। अनुज तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से बल्लेबाज शाहरुख खान के लिए। ब्लैक होल में गेंद डाला था, हालांकि उसको किसी भी तरह जो है खेला और एक रन के लिए निकले। थ्रो आता खतरे वाले छोर पर थे बल्लेबाज शहराज। वो रनिंग विटविंदा विकेट कही जाएगी। दोनों जो है बल्लेबाजों के जरिए दौड़कर जहां पर एक रन होना चाहिए दो रन पूरा किया। इस दो रन के सारे स्कोर कार्ड जा पहुंचा 86 रन एक विकेट के नुकसान पर। 4.4 रन का खेल खत्म हो चुका। आइए फील्डिंग की जमावट पर नजर डाली जाए। 5 खिलाड़ी जो बिल्कुल सीमा रेखा से किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए खड़े हैं। एक तरफ मैं देख रहा हूँ अंकित कालकी है जो इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल सीमा रेखा से सटे हुए हैं। वहीं पर उनके अनुज देख रहा हूँ दूसरी तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ एक खिलाड़ी है। ऐसे में अनुज तैयार हो रहे हैं। 18-20 कदमों का रन उसे भारी भरकम शरीर और फिर से ब्लैक होल में डाला था। हेलीकॉप्टर अंदाज में एक और शॉट की तलाश, एक और बेहतरीन जो है स्टॉक की खोज में थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद पल्ले पर आई नहीं और किसी भी तरह गेंद को विकेट पर जाने से रोका। दोनों बल्लेबाज महसूस अपने क्रीज में। टोटल स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त स्कोर कार्ड 86 रन शो कर रहा है। मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर जनाब शाह अफगान और सुजीत शान के साथ आपका कमेंटेटर अभिषेक खास जी बोल रहा हूँ। हालांकि ये मेरा अपना जो है प्यार है, मेरा अपना इलाका है, मेरे अपने लोग हैं। बहुत जो है मेरी ख्वाहिश थी कि लगातार जो है मैं कमेंट्री के काम को अंजाम दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब की जो बार बार कॉल भी आ रही थी, लेकिन माफ़ चाहता हूं सीनियर कमेंटेटर हमारे बीच मौजूद है जो अपनी आवाज बेहतरीन आवाज से आप तमाम शायकीन को सरफराज कर रहे थे। हमारे बड़े ही हरदिल अजीज जनाबे शाह अफगान साहब, अफगान स्पोर्ट 70-70 की उन्हें ही चमचमाती हुई ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं टूर्नामेंट के लिए परिचय की गई है उन्हीं की शॉप से इसमें चले। अनुज की एक गेंद और यार्कलिप की एक गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ा सा पहले पिच हुई इतना फायदे के बाद अंदर की तरफ आ रही थी। खेला जरूर है एक रन यहाँ होना चाहिए, बॉल का दो रन पूरा किया। इस दो रन के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा 88 रन एक और ओवर का ऐलान होता हुआ। 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर नोट 11 का 88 रन 162 के जवाब में। अब यहां से रनों की जो जरूरत है रिक्वायर्ड रन जो है रिक्वायर्ड रन रेट जो है मैं बता दूं आप तमाम दर्शकों को 14.80 रन प्रति ओवर औसत से जो है रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है नूर 11 को। एक और जो है यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए दोनों बल्लेबाजों को रुकना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। ये अलग बात है कि आपके आने वाले मध्य क्रम के बल्लेबाज जो है आपकी डगमगाती हुई नाव को साहिल पर लगा दे, मझधार में गोते खाती हुई नाव को साहिल पर लगा दे, लेकिन अगर बात की जाए वहीं पर जो है वीरो की धरती कही जाती है जिसका इतिहास और जिसकी तारीफ ये रही है कि अगर मैं इस माइक्रोफोन के जरिए बताऊं तो एक ही माने शाम हो जाएगी, लेकिन गाजीपुर की जो है तारीफ अधूरी रह जाएगी। अफगान भाई उस जो है धरती के उस पाक सरजमी पर पाक सरजमी से चलकर इस वक्त दयारे शिबली नोमानी में दयारे कैफी आजमी में अपनी गेंद को शो कर रही है। कैफी आजमी का नाम आया तो मुझे एक शेर याद आ गया, किसी वक्त में क्या शोक कहा था कैफी आदमी ने कि महक महक खलोस की इस सादगी हुदार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में है। बिल्कुल उसी मोहब्बत को कायम और कायम रखने के लिए एक संकल्प एक ख्वाब देखा था अमजद राम बखरा ने और उनके तमाम हमनवाओं ने एक कहा कि अमजद भाई इस ख्वाब को लेकर आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और जिस रास्ते की तरफ अमजद साहब अकेले चले थे उसी रास्ते से मैं देख रहा हूँ कंधे से
गेंदा शाना बशाना जनाबे उमर साहब वर्तमान डीडीसी बाबू बकर पुणे वाले मोहम्मद फैज साकिब फ्रॉम छिटपुर ये तमाम लोग जो है उनके रास्ते को आसान किया और उनके इस ख्वाब को पूरा किया है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस बीच खेला है कलाइयों के सारे लोगों का इशारा आ रहा है अंपायर मोहम्मद अहमद का एक और एडवांटेज मिलेगा बल्लेबाज सुहराब को। गलतियां लगातार हो रही है मैं देख रहा हूं अफगान भाई अक्सर जब लोग मुकाबले से बाहर हो जाते हैं बिल्कुल करीबी मुकाबला रहता है सुजीत भाई तो अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूँ काफ ये हुआ होता तो ऐसा हो जाता अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता लेकिन मैं साफ बात साफ तौर से वादे कर दूं कि कहीं ना कहीं आपकी गलतियां भी आपको हराने में अहम किरदार निभाती है। मैं गलतियों की चर्चा करूंगा चार विकेटों के साथ लेकिन इस गेंद के बाद ले क्या खूबसूरत गेंदबाजी बिल्कुल जब देखा बल्लेबाज सुहराब को कनेक्ट थे शॉट खेलने के लिए गेंद गति में परिवर्तन किया अंकित तालके ने और खिलो मध्यम गति किए गेंद और चकमा दिया बल्लेबाज सुहराब को। रनों की संख्या अभी भी 91 पे रुकी हुई है 91। फिर से उसी गेंद को दोहराया था लोकल बॉल जिसे क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है 95 रन का बाहरी किनारा शामिल जरूर था लेकिन विकेट कीपर से बहुत पीछे जाकर 95 दो टप्पे के बाद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन इस 4 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 95 रन 95। 5 ओवर के बाद 6 ओवर का खेल जारी है ओवर नंबर 6 चल रहा है और जिस तरह की गलतियां देखने को मिली मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। ऐसा लग रहा है अंकित तालकी जो है बल्लों का इशारा रहा है क्या खूबसूरत अंपायरी यहां पर देखने को मिल रही है 162 का टारगेट है जिसके जवाब में 97 रन बना चुके हैं और यही होना चाहिए। आप एक अच्छे अंपायर तभी बन सकते हैं जब आप तमाम खिलाड़ियों की बारीकियों को बारीकियों पर नजर रखना जाना ये आजमगढ़ है। दर्शकों से मैं बता दूं आए हुए मेहमान खिलाड़ियों से बता दूं ये आजमगढ़ है जो मेजबानी के लिए जाना जाता है। लोग अगर आप प्यार से चाहेंगे तो आजमगढ़ के लोग बिल्कुल आपके लिए पलके बिछाने के को तैयार रहेंगे। ये आजमगढ़ है आजमगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जन्म दिया 97 मतलब 65 रन चाहिए के साथ साथ जिले को रोशन किया है लोगों के साथ फ्री हिट का इशारा भी आ रहा है व्यास साहब शुक्रिया आपका बड़ी ही प्यारी अंपायरिंग अभी तक देखने को मिली है और व्यास साहब का जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो वाकई में लाजवाब बिल्कुल जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे में फ्री हिट के साथ है बल्लेबाज शाहरुख खान लोबाल का इशारा एक और फ्री सोने पे सुहागा अफगान भाई अब तो मैं कह दूंगा चार लाइन अब तो मैं कह दूंगा कि गलतियां जानबूझकर हो रही है 104 रन लगातार गलतियां हर झुका हुआ पर्दा हया का नहीं होता हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता बुझ जाते हैं चिराग अक्सर अपनी ही गलतियों से हर मर्तबा कसूर हवा का नहीं होता यहाँ पर अपनी ही गलती होगी बल्लेबाजों का कोई कसूर नहीं बल्लेबाज तो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और बिल्कुल हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं जैसे मौका मिलेगा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाएंगे लेकिन मैं माफी चाहूंगा तमाम दर्शकों से और टीम नोर 11 से यहाँ पर जो स्कोर अपडेट हो रहा है उसमें शाहरुख खान लिख के आ रहा था देख अभी खबर मिली है बल्लेबाज हफीज है माजरत चाहता हूँ हफीज बेहतरीन बल्लेबाजी और इस मरतबा खूबसूरती के घूमकर खेला है इसका एक की तरफ ही जरूर है एक और जिंदगी एक और जीवन दान
मिल जाएगा बल्लेबाज हफीज को और बल्लेबाज हफीज का अपना व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा 35 नूर 11 का 105 एक विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर का खेल खत्म। अब पहुंचे हैं शोभरा दाएं हाथ के बल्लेबाज 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया 286 जो है इनका स्ट्राइक रेट है और यहां पर एक मौका मिला था विकेट कीपर के पास लेकिन खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज हफीज थोड़े स्टंप पर नहीं लगा वरना खतरे वाले छोर पर थे। तो इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर जा पहुंचा 106 रन। खामोश क्रिकेट जरूर है लेकिन मुकाबला दिलचस्प। स्पेस जो है शोल्डर का पूरा इस्तेमाल किया था अंकित कालकी ने और गेंद उछाल लेती हुई अनुमानों से कहीं ज्यादा पहुंचे सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। आइए स्कोर कार्ड की तरफ ले चलते हैं। 6 ओवर के बाद 162 का पीछा करती हुई इस वक्त टीम नूर 11 ने एक विकेट खोकर 106 रन बना लिया है। 106 रन 6 ओवर में 44 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शोराज और हफीज। 37 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए मौजूद है। स्कोर है 106। अभी भी यहाँ पे जो जीत की जरूरत है 14 रन प्रति वर औसत 14-56 रन प्रति वर से। आइए जो है सातवें वर की पहली गेंद और मैं माइक्रोफोन से जोड़ूंगा अपने सहयोगी कमेंटेटर जिन्होंने अपनी आवाज की बदौलत पूरे पूर्वांचल के तमाम श्रोताओं तमाम दर्शकों के दिलों पर राज किया है। सुजीत शाल इस वक्त हमारे कम बॉक्स में मौजूद है लेकिन अभी डूंगाली मैदान में पहुंची है। आपस में राय मशवरा कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी है। खिलाड़ी में जो है थोड़ा सा डाइस की तरफ चलता हूं। जनाबे सैयद साहब को देखा जा रहा है अपने पूरे काफिले के साथ मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। जनाबे उमर साहब वर्तमान बीबीसी और साकिब भाई छिंदेपुर इकाना स्टेट लखनऊ। अमजद साहब आजनाइजर आपका टूर्नामेंट और जिनके जितने भी उनके दोस्त अहबाब है इस वक्त बैठे हुए हैं लेकिन 500 रुपए का एक खूबसूरत दादो तहसील में लिपटा हुआ इनाम जनाबे साकिब साहब छिंदेपुर की जानिब से जो टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। लेकिन तमाम दर्शकों को बता दूं कल इस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं होगा मेगा फाइनल खेला जाएगा। अंतिम चार में 3 टीमें पहुंच चुकी है। 2 टीम आजमगढ़ की है और एक टीम मऊ चौथी टीम की तलाश हो रही है। ये जो मुकाबला खेला जा रहा है कौन जीतेगा ये महा मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इजाफा होता हुआ बिल्कुल कल बुके पैमाने को छलका रहे हैं। साकिब भाई 1,000 रुपए का इनाम आ चुका है जीतने वाली टीम के हक में। 106 रन है 6 ओवर के बाद 7वें ओवर की पहली गेंद माइक्रोफोन के साथ में जो शेयर करते रहे लाइक और शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा। नूर 11 बरेली क्या खेल दिखाई लाजवाब। हफीज और सौरभ के बीच सत की साझेदारी जो चल रही है मैदान के ऊपर 18 गेंद 37 रन बनाकर हफीज खेल रहे 5 छक्कों की बदौलत और सौरभ 16 गेंदों पर 44 रन। टोनी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है अब गेंद थमाई है भरोसेमंद गेंदबाज है अब यहाँ से कैसी गेंद डालेंगे क्योंकि मैच का जो इस वक्त हम देख रहे हैं रन रेट है वो बहुत तेज से वृद्धि हुई। टोनी एक और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे आजमगढ़ क्रिकेट लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ पे वीडियो सारी वीडियो अपलोड हो रही है।
हमारे जो दर्शक जो श्रोता जो पूरे हिंदुस्तान के अलावा बाहरी खाड़ी देशों सुन रहे हैं उनका भी खुशामदीन कहते हैं। धोनी की पहली गेंद सिल्वर लेंथ की गेंद थी, अच्छा ये व्हाइट का ये फैसला है, एक रन बनाने से और नहीं रोक पाएंगे। तो अब नूर इलेवन बरेली की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। बल्लेबाज ने गेंदबाज उस गेंदबाजी के सामने जहां पूरे गाजीपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी गेंदबाजी के चर्चे होते हैं आज उनके अंकित कल की उनके अलावा जिन्हें पूर्वांचल लाइक और शेयर करते रहे अनुज के ओवर में जमकर खबर ली इन दोनों बल्लेबाजों ने। और ज्ञानेश्वर शर्मा भी काफी महंगे रहे, पचासा भी पूरा कर ले यहाँ पर, अब सबकी यहाँ पूरा किया है। और ये इनके मंसूबे बता रहे हैं कि 70 गेंदों में 50 रन 5 छक्के 4 चौकों की बदौलत। जी हाँ, 17 बॉल 50 रन आया तो तूफान आया है, क्या बल्लेबाजी हुई है। बिल्कुल जब बोर्ड पर लगे थे रनों के अंबार टोनी की ओवर में क्या बल्लेबाजी चल रही है, लाजवाब। ये व्हाइट का यह फैसला है, एक रन और अतिरिक्त रन रूप में मिल गए, एक एक रन बड़े इंपॉर्टेंट है। सौरभ और हफीज की ये जोड़ी जो नायाब बहनूर साबित हो रही है बरेली के लिए। बरेली बल्ले बल्ले नूर इलेवन बल्ले बल्ले इस वक्त सीआरपीएफ गाजीपुर के लिए। एक बार अच्छी गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, स्टेयर किया है डिपिड विकेट की तरफ, वहां से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, एक रन बनाने से नहीं रुक पाएंगे। अगर ये मैच सीआरपीएफ गाजीपुर को जीतना है तो एक अच्छा ओवर किसी ना गेंद गेंदबाज खटाना पड़ेगा, फिर मैच में वापसी हो सकती है, अन्यथा ये मैच उनकी पहुंच बाहर जा रहा है। 22 गेंदे बची है, 47 रनों की और जरूरत है। 22 बॉल 47 रन, एक विकेट लेनी है, 22 बॉल 47 रन। जब अगले ओवर के लिए मुझे लग रहा है कि ज्ञानेश्वर को जिम्मेदारी सौंपेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी बीच फटाफट सारे लोग लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। ये बैक हैंड स्लोअर पढ़ नहीं पाए हम, देख रहे हैं मोहम्मद हफीज बिल्कुल इस सीमेंटेड विकेट पर। जब कभी कभी काम चला ऐसा काम चला जाता है कि टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा देता है। अब देखते हैं कैसे गेंदबाजी करते हैं यहां पर टोनी इस ओवर में। ये बढ़िया गेंदबाजी कर निकल रहे हैं, रन आउट का मौका पड़ रहा है, अब अक्टर किमली होबल हरा रही है, अब मैच में धीरे धीरे पकड़ बना रही है टीम गाजीपुर। यही पलटवार अब निकलेगा, कौन सत्ताम को भेजेंगे, आसिफ को भेजेंगे या बीरा जाएगा। जी हाँ, अब आ रहे हैं सत्ताम, 20 बॉल 47 रन रखा है। मोहम्मद आसिफ जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, बीरा और सत्ताम ने खुद को रोक रखा है क्योंकि वो पिच हिटर है, आखिरी दो ओवरों में 30-40 चाहिए तो वो मार देंगे। लाजवाब एक बार जोरदार तालियां बजाते इस बल्लेबाज के लिए, भैया इससे बढ़िया खेल बरेली वाला लड़का नहीं दिखा सकता, बहुत खूबसूरत लाजवाब। 6.4 गेंद 115 रन हो चुके हैं बोर्ड के ऊपर, 20 गेंदों पर चाहिए 47 रन। टोनी जो गाजीपुर के कप्तान हुआ करते थे अब टीम में एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर इनका नाम माना गया है। हालांकि आज हम देख रहे हैं गेंदबाजी कितनी सुंदर चरित्र चित्रण किया, कितनी व्याख्यान की रकम है। बैक हैंड थ्रोअर, ऑफ कटर, लेग कटर, बाउंसर, ऐसा लग रहा मानो शाहिद आफरीदी की तरह ये गेंद डाल रहे हैं। पेस और बल्लेबाज चकमा दे रहे हैं, उनके चारों खानों को चित कर रहे हैं। दो वाइट डालिंग जरूर है लेकिन अच्छा ओवर मैं कहूंगा। इंपैक्ट ओवर यहाँ करता हुआ टोनी सिंह का, मात्र 4 गेंदों पर 9 रन दिए, जहां गेंदबाज 2 ओवर में 30-30, 35-35 रन दे चुके हैं। अब ये बल्लेबाज इंपॉर्टेंट है, इनका अगर बरेली को जीतना है तो आखिरी ओवर तक इस बल्लेबाज का रहना जरूरी है, फिर बरेली की बल्ले बल्ले होगी। ये लो गिरा है 6.5 पर का
साहब बल्लेबाजी चलता, ऐसे लगा था कि लंबा टंबा बल्लेबाज पालन देख के लगा था कि इतना मजबूत कद काठी का पालन पल्ला लेने पालन की गदा लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे आप लोग। 6.5 121 रन दो विकेट के नुकसान पर अब ओनली इस गेंद पर चाहिए 41 रन। अभी भी मैच बना हुआ है, अगर इस ओवर में बाउंड्री नहीं आई फिर मैच फंसेगा। अभी चाहिए 19 गेंद 41 रन। इंपॉर्टेंट गेंद है ये। अब टोनी क्या करेंगे, ऑफ कटर डाल ली, स्लीपर डाल ली, ऑफ ब्रेक डाल ली, अब ये कौन सी गेंद है? ये फुल टॉस है, लोअर फुल टॉस है, हवा में है, ये कैच पकड़ा है और अब हम देख रहे हैं आउट का फैसला एम्पायर का और ये विकेट का पतन होता हुआ, बड़े विकेट का पतन होता हुआ, सोहराब का विकेट। यानी अब बरेली संकट में, अब कौन आएगा संकट मोचन? टीम का कप्तान अब बोलो कौन जीतेगा? सत्ताम बरेली मुश्किल आम पड़ी है क्योंकि सारे लोग शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे, साथ ही साथ फ्री स्टार है तो उसे भी भेजते रहे। लोअर फील्ड ऑफ गेंद को जज नहीं कर पाए जिससे विकेट का पतन हुआ। अब चाहिए 18 गेंद 41 रन 13.6 के औसत से 161 रन सीआरपीएफ क्रिकेट क्लब वन देवी ने बनाया था। 7 ओवर में 121 रन बना चुकी है टीम। अब चाहिए यहां से जीत के लिए 18 गेंद पर 41 रन। अब सत्ताम और आतिफ की जोड़ी, ये मध्य क्रम के सबसे सफल बल्लेबाज पूरे बरेली में। अब बरेली के ये दोनों लाइक और शेयर करते रहे और कप्तान सीआरपीएफ ज्ञानेश्वर शर्मा निकले हैं सबसे इंपैक्ट बॉलर। आज इनका दिन नहीं रहा, ये ओवर अगर अच्छा कट गया फिर काम बनने वाला है या ये ओवर मैच की तस्वीर बदलने वाला ओवर है, या तो ना इस बार या तो ना उस बार यही होगा। बरेली अगर ये दोनों बल्लेबाज रह गए आखिरी ओवर तो निश्चित है कि ये मैच जितवा के जाएंगे। अगर यहाँ पर विकेट इस ओवर में एक विकेट आ गई फिर दबाव हो जाएगी बरेली, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज है सोहराब अफीज वो पवेलियन की राह जा चुके हैं, अच्छे बल्लेबाज पवेलियन में। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक गली और एक शॉट एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद ज्ञानेश्वर शर्मा की कट किया है, सोहराब भाग रहे हैं, भागकर आ जाएंगे सीमा रेखा के बाहर। चार रन नजाकत पर ये शॉट में कहूंगा मोहम्मद आसिफ से, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद आसिफ। आने दिया, गेंद का इंतजार किया, बैक फुट पर गए, गली में गेंद गई सीधे पैटमैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन 125 रन 7.1 गेंद हुई है और हम देख रहे हैं कि रिया से 17 गेंदों पर 37 रन चाहिए। 161 के जवाब में 125 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आतिफ और सत्ताम खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर शर्मा का ये अंतिम ओवर, अपने टीम की तरफ से ये 8वां ओवर लेकर निकले हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पर बाउंड्री आ गई है, अब यहां से कितने 5 गेंदों पर कितने रन अर्जित कर पाते हैं। बल्ले का एज लगा है, मोहम्मद आतिफ जैसा बल्लेबाज अब पवेलियन जा रहे हैं, यानी खतरे की घंटी। यहाँ एक विकेट और, इस कितना रन है क्योंकि अब ये बल्लेबाज मोहम्मद आतिफ भले अब इसका आप खेल नहीं देख पाए, बहुत कद्दावर खिलाड़ी है, अपने दम पर बहुत मैचे जीतवा है, सबका दिल नहीं होता है, हर दिन सबका नहीं होता है, हफीज और सोहराब का आज दिन था। इस बखरा टीबेन कप में स्कोर 125 रन 161 के जवाब में अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, फिर 125 हो चुके हैं। 37 अगर पहली गेंद पर बाउंड्री नहीं आती तो काम होता। 16/37 शर्मा ने ऑफ कटर डाल दी, एकमात्र ऐसा गेंदबाज है जो 16/37 जिसे ऑफ कटर डालनी आती है, जिसे लेग कटर डालनी आती है, जिसकी स्लोअर अच्छी है, जिसकी फास्ट बॉल अच्छी है, ये अच्छा हो रहा है। टर्कस में हर तीर है जबरदस्त, ये लेकिन सीमेंटेड विकेट है, इस विकेट पर भी कौन सी गेंद डालने की जरूरत थी। नए बल्लेबाज बड़े
पहुंचे हैं। अतहर 16 बॉल सैतीस बल्लेबाज। अब हम देखेंगे अतहर क्या करेंगे। ये बल्लेकार ये मुंह बता रहा है कि ये अच्छे बल्लेबाज है। टोनी के ओर ने मैच पलटा है। ये अच्छी गेंद में कहूंगा ब्लॉक होल में क्या करेगा बल्लेबाज। 15 बॉल 36 रन। हेलीकॉप्टर नहीं लगा सकता। स्कोर अब चाहिए 15 गेंद पर 36 रन। 126 रन बोर्ड पर लगे 162 के जवाब में। 163 रन करने और 126 हुए यानी 15 पर 36। 162 रन बनाने माफी चाहता हूं। 15 गेंद 36 रन। मैच अच्छा। अब इस ओवर में बाउंड्री मस्ट है। आई बाउंड्री तो फिर बरेली का काम बनेगा। ये एक और विकेट गिरता हुआ बरेली का। जी हाँ, दिल्ली की टीम नहीं आई थी जो इसको जाहिर सी बात वाकवर देना ही पड़ेगा। मैच की तस्वीर बदलने में लग गया। 14 गेंद 36। दो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बहुत दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 14 बॉल 36 रन। 14-36 ना 14-36। जी हाँ, लाइक और शेयर करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें आप लोग फटाफट। जी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी जान है, अभी 2 सिक्स लग जाए अभी गेम पलटी हो जाएगा। गेम पलटी होने के लिए सिर्फ 2 बॉल। इसी के साथ 12 बॉल 36 रन। 12 बॉल 36 रन। कौन जीतेगा फटाफट कमेंट करें। अब 50-50 है। 3-6 एक एक ओवर में। जी हाँ, लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। बताएं थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा लेफ्ट। जी हाँ, लाइक और शेयर करते रहे, साथ ही साथ फिर स्टार है तो भेजते रहे भाई। पेज का सपोर्ट करें और साथ ही साथ YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें।
बहुत बढ़िया धोनी भैया बॉलिंग। ग्यारह कहाँ दस दस बॉल 35 रन। शेयर करते रहे लाइक करते रहे। बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला जो जीतेगा सीधा सेमीफाइनल में खेलेगा आबिद 11 आजमगढ़ से। जो भी टीम जीतेगी इसमें से आबिद 11 आजमगढ़ से खेलेगी अपना मैच। कमेंट्री अजान हो रही थी इसलिए बंद थी। बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए फटाफट ज्यादा से ज्यादा। बहुत कम शेयर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। एक विकेट और क्या बात है। जीता हुआ मैच यही है। मैच देखिए जीता हुआ मैच हार रही है। बिल्कुल जीत कर हारी है। बिल्कुल आसान हो चुका था बट यही तो क्रिकेट है। इसी को तो क्रिकेट कहते हैं भाई। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ फिर स्टार भी भेजते रहिए। थोड़ा सा बाबा बाबा एकदम हल्का सा हो जाएगा। बढ़िया टोनी भैया दम से सही जगह से ये यार। इसी के साथ 6 रन। सात पर 27 कितनी बॉल कितना रन 6 बॉल 26 रन 6 बॉल 26 रन। वाव यार कहां से कहां फंस गया। 6 पर 26 ये मुकाबला। छह बॉल 26 रन। जो जीतेगा सीधा आबिद 11 आजमगढ़ से खेलेगा वो मुकाबला। अनुमान एंड कंपनी मंजीत 11 मऊ के साथ होगा। नुमान इसमें से आबिद वाली से और 6 रन सीधा स्टेट ड्राइव। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजम शेख 5 पर 20
पांच बॉल 20 रन। हम क्या बोले थे, थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा लेट हुआ है, 5/20। इसी के साथ एक बार फिर से देखना है 6 रन। गेम कहीं था और कहीं आ गया, ये देखिए, इसी को कहते हैं गेम क्रिकेट। 4 बॉल 14 रन। अब बोलिए कौन जीतेगा। 14 रनों की जरूरत है, ये मैच कहां से कहां आ गया। फिर बरेली अबू बकर पुना वाले 500 बरेली के जीतने पर, लोर 11 बरेली को। अब चाहिए 4/14 रन, 148 हो चुके। ये मैच नहीं, मैच से भी बड़ा मैच हो गया। अगर इस गेंद पर छक्का आ जाता है सुजीत भाई, तो फिर तो काम बिल्कुल बन जाएगा। गेंद आ गई मैदान में अतहर और साहिब। अतहर अगर 6 गेंद खेल ली उनको, फिर ये काम बनेगा। 2 पे 2 मार दिया आपने। अब चाहिए 4/14। जी हां, फर्स्ट सेमीफाइनल यही आबिद एंड कंपनी का होगा। सेकंड सेमीफाइनल नुमान एंड कंपनी, शायद मैं डिसाइड नहीं करता। ये ट्रॉफी की लड़ाई है, बट मैं एक हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखना है क्या आज बरेली वापस में अपने आप को मेहमान नवाजी पखरा में। कौन जीतेगा फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताओ, सारे लोग लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, इनवाइट भी कर दो, सारे लोग। बहुत कम देखने को मिलता है, 4 बॉल 14 रन पे आ गया है। 8 बॉल, गेंद को डॉट करवा लिया। 3 बॉल 14 रन, 200 रुपए का इनाम दे रहे जिताने पर टीम बरेली को। जीतने पर है ये, जिताने पर अगर ये जिता देंगे अतहर। अब 3/14, अब इस पर तो भैया छक्का लगना है या नहीं लगना, मैच क्लियर हो जाएगा। अब 2 पे 2 क्या होगा, फील्डिंग जीता दी, ये फील्डिंग जीता दी। 4 रन था बिल्कुल, बिल्कुल 4 रन था। तो बरेली नहीं रुकेगी, 4 रन होता तो कुछ भी होता, तो फिर गाजीपुर यहाँ रुकेगी, मैच में बन जाती गाजीपुर। वैसे 2 छक्का लगेगा तो गेम बराबर हो जाएगा। टीम का एक्सपीरियंस बॉलर, 2 गेंदे 13 रन, 2 गेंदे 13 रन साहिब। अब यहाँ से सीआरपीएफ पहुंचा है। जी हाँ, सीआरपीएफ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। यहाँ से ये टीम हारती हुई, कमाल ना हुआ था, कमाल खेल दिखाया। मध्य क्रम में आतिफ का और सत्ताम का ना चलना, टोनी का और ज्ञानेश्वर का वो दोनों ओवर, मैच बदल दिया। मैच समाप्त हो चुका है, यानी फाइन ग्रुप कल गाजीपुर के सामने। आतिफ जी हाँ, ये रही अनिल आ गए। अनिल जी 500 रुपए आपके, 100 रुपए माफी चाह रहे। हफीज हेलीकॉप्टर शॉट लगाए थे आपका भी है, और 500 रुपए जीतने पर थे, 1000 रुपए। चलो ठीक है, चलते हैं, कल मिलते हैं। नहीं कस्बा आजमगढ़ क्रिकेट, आजमगढ़ बंद कर दला। जीतने पर चला चालू है, जीतने वाली टीम के साथ जनाब साकिब साहब छिंतेपुर इकाना स्टेट लखनऊ, 1000 रुपए का इनाम। चलिए इनाम की बात बाद में करते हैं अफरान भाई, पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं फटाफट। मुकाबला बड़ा ही
कल मिलते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। नुमान एंड कंपनी, आबिद अलेवन, आजमगढ़, मऊ मंजीत अलेवन और साथ ही साथ सीआरपीएफ गाजीपुर के साथ मिलते हैं। जब तक सोहरा 500 के नाम सबक है, अनिल अपना 100 रुपए के नाम ले, 200 रुपए के नाम हफीज ले। बड़ा अच्छा मुकाबला होगा दोस्त, बड़ा अच्छा मुकाबला ये होगा।